हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि काफी टाइम पहले से आपके लिए क्रैश को स्टार्ट किया था और अब वो वक्त आ चुका है। आपके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है 10:30 बजे और वाईफाई स्टडी सबसे पहले आपके लिए हमेशा एनालिसिस लेके आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और इसीलिए रेलवे का जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होने वाला है वो उसका भी अपन एनालिसिस करने वाले हैं 10:30 बजे से। अपने पास में जो क्वेश्चन है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपने वाईफाई स्टडी को जो बोल के गए हैं कि अपने जो क्वेश्चन है वो 10:30 बजते ही अपने पास में भेजना चालू कर देंगे। देखेंगे किस तरीके का पैटर्न इस बार रेलवे भेज रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, एएलपी से ग्रुप डी के जो दोनों का पेपर है उन दोनों के अंदर क्या क्या अंतर रखा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने एएलपी के पूरा का पूरा आपने एनालिसिस देखा होगा, आपने किस तरीके से सारे के सारे एनालिसिस अपन ने करे थे, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड अपन ने बनाए थे, क्वेश्चंस देते सब कुछ अपन ने किया था। अब देखते हैं इस बार एएलपी और ग्रुप डी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, रेलवे क्या डिफरेंस रखता है, क्योंकि वो डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है अपने लिए और उसी के अकॉर्डिंगली आने वाले दिनों के अंदर अपन स्ट्रेटेजीज बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपको कराने हैं, कैसे क्वेश्चन अपने को करने हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, जो जो आपको करंट अफेयर जो मैथ रीजनिंग के जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आपको बताए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उनको कवर कर लेना। मैंने आपको बोला था कि जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसमें से कई काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और जुलाई से लेके अभी सितंबर तक का भी करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मैंने आपको कल प्रोवाइड करा है, तो आप देख सकते हैं। एक बार जाने से पहले देख के जरूर जाइएगा। ओके, जुलाई से सितंबर के नियर बाय 70-80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे काफी बच्चे पूछ रहे हैं, पेपर देखो 10:30 बजे खत्म होगा तो 10:30 बजे से अपने पास में क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे, तो अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे डू एंड डोंट्स हैं जो कि अपने को पता होने चाहिए, क्या नहीं करना है पेपर में। जो बच्चे जा चुके हैं वो तो अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप सभी के पेपर है, तो दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सोचना है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं और काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है। रिपोर्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम और एग्जाम स्टार्ट टाइम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा सिप्रा मैम के साथ आपके सामने हैं रेलवे ग्रुप डी के एनालिसिस के साथ। लेकिन क्वेश्चंस पे जो बात करेंगे वो हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी 10:26 हुआ है, पहला शिफ्ट हमारा 10:30 में खत्म होने वाला है और उसके बाद क्वेश्चंस आते आते थोड़ा समय लगेगा। तो हम लोग अभी आपको थोड़े बहुत टिप्स देंगे कि आपको जो एग्जाम में क्या संयम बरतना चाहिए आगे आने वाले जो शिफ्ट में बच्चों का एग्जाम है, साथ साथ एएलपी में जो हम लोगों ने करवाया था उससे कितनी मदद मिली। तो थोड़ा सा मैम सिप्रा से बात करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने पास चलेंगे। चलिए मैम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं और आज से हमारा एनालिसिस जो है वो स्टार्ट होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे, और काफ़ी दिन तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। जैसे कि आपको भी पता है अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम पूरे जाएंगे और उसके बाद ब्रेक लेके फिर से आपके एग्ज़ाम ये स्टार्ट होंगे। तो मेरे ख्याल जिन जिन के पेपर आगे आगे होने वाले हैं उन लोगों के लिए एक ये जो एनालिसिस है ना वो प्लस मार्क्स इतने ज़्यादा लेके आएगा कि आप मेरिट में कहीं के कहीं पहुँचने वाले हों। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स को लेके जैसे कि भुवनेश सर ने बताया आपको सारी चीज़ें याद रखनी है ढंग से कि किस तरीके से आपको टाइम पे पहुँचना है। पेपर का जो है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि किस तरीके के पेपर आ रहे हैं। रैंडमली आपको पेपर पूछा जा रहा है ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों को लेके कि पहले कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा या फिर आपको जीके जो है वो पूछी जा रही है या जनरल साइंस जिसको हम बोल सकते हैं वो पूछा जा रहा है या रीजनिंग जो है वो पूछी जा रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं, एक मैथ्स का क्वेश्चन, एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, एक रीजनिंग का क्वेश्चन और एक जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये कि आपको रैंडम क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है।
आपको ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि लगातार जनरल साइंस आएगी या लगातार जनरल मैथ्स आएगा. तो यहाँ पे सबसे पहली और ये इंपॉर्टेंट चीज के रैंडम आएंगे क्वेश्चंस. दूसरी चीज, सेव करना ना भूलें क्वेश्चन को कैसे भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. आप क्वेश्चन कर देते हो, आंसर टिक लगा देते हो, लेकिन ना कि उसको नीचे ना सेव नहीं करते हो क्वेश्चन को. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि रैंडमली करना है, सेव करना है. तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट जो है वो पहले भी आपको, पहले जब ALP का पेपर हुआ था तब भी साहिल सर ने आपको पूरा ये प्रॉपरली बताया था कि टाइम को कैसे मैनेज करना है. और ऑनलाइन पेपर्स में टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है. आपको कहीं पे भी ना टाइम को रोकना नहीं है कि आप मैथ्स करने लग रहे हो और कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, या जनरल साइंस ही क्यों ना ले लो. अगर आपको लगता है ये टॉपिक आपने पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन जो है ना नहीं समझ आ पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो मूव करिए आगे. सबसे पहले अपने स्कोर को वहां तक पहुंचाइए जहां तक आपको लगता है कि मैरिट में उतना इंपॉर्टेंट होगा, इतना कवर कर लीजिए. उसके बाद बैक टू जो चीजें आपकी छूट गई हैं, क्योंकि वहां साफ दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे कि कौन सी क्वेश्चन जो है ना वो आपने छोड़ दिए हैं, कौन से सेव कर दिए हैं, कौन सी आपको दोबारा जाके चेक करने हैं. तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है. मेंटली वहां प्रेजेंट होना है, ये नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे हो लेकिन फिजिकली बैठे हो, मेंटली कहीं और हो, ये सारी चीजें नहीं करनी है यहाँ पे. और वन बाय वन जो है ना वो सब्जेक्ट्स को लेके यहाँ पे बात करेंगे. तो कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे करने हैं, तो पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करके जाने हैं. अगर आपका फिलहाल में ही एग्जाम है, कल परसों या आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम्स हैं, जिनका थोड़े से बाद में है उनको तो हम ही मेंटली प्रिपेयर करते रहेंगे, लेकिन जिनका आज या कल या कुछ दिनों में एग्जाम है तो वो आप टॉपिक ध्यान से सुन लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करके कवर करना है. तो पहले रीजनिंग के टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं. चलिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डियर. देखो, अगर जयपुर के हमारे बच्चे अभी लाइव हैं, जो भी बच्चे जयपुर के लाइव हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका जयपुर में सेंटर कहां पे था, आपका जयपुर में सेंटर कहां पे था. वहां पर साहिल सर जाएंगे और सेंटर पे ही आपसे बात करेंगे, वो आपसे मिलेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो आप उनको बताना. ठीक है, तो आप जो है जल्दी से ये कमेंट कर दीजिए और ये बताइए कि आपका जो सेंटर है वो कहां पर है, मतलब जयपुर के अंदर बताइएगा, क्योंकि वो जयपुर में प्रेजेंट है तो वो जयपुर में जो आसपास का लोकेशन होगा वहां पर वो चले जाएंगे. तो आपका कॉलेज का नाम जयपुर में कहां पर है, जहां पर भी एग्जाम हो चुका है या आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप प्लीज ये कमेंट करिए. ठीक है, और उसके बाद फिर सर आपको वहां पर मिलेंगे और आपसे लाइव वहीं पे बात करेंगे. जिनको भी साहिल सर से मिलना है और क्वेश्चंस को बताना है तो जल्दी से कमेंट करके ये बतलाइए. ओके, अब बात करते हैं. मैम ने जो बताया कि देखो, ईगो पे कोई क्वेश्चन को नहीं लेना है, बात समझो. सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे आपका पेपर आया, स्टार्ट हुआ पेपर, और उसके बाद जो टाइमिंग है आपके पास वो जब डेढ़ घंटे का यूं निकल जाता है एग्जाम में, किसी का इंतजार करो तो नहीं निकलता है, लेकिन एग्जाम हॉल में फटाफट टाइम निकलता है. आप वहां पर क्या करेंगे, आपको स्मार्टनेस क्या दिखाना है, सबसे पहले ये करिएगा कि आपको एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, एक से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक चले जाना है. पहले दो मिनट में आपको ये देख लेना है कि हमारे फोर्टे का कौन कौन सा क्वेश्चन है. समझ रहे हो बात को, मतलब सबसे पहले चेक योर क्वेश्चंस, चेक कर लेना. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको आता कितना क्वेश्चन है, पहला बात. दूसरी बात यह करना है कि जो आता है वही क्वेश्चन करो, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको आता है, जो आपको पता है, पहला काम तो यह कर लो आप. ठीक है, तीसरी बात, ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन पे, ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन कि ये तो यार हम घर में पढ़ते थे, ये बना के रहते थे और अभी मैम पढ़ रहे हैं यहां पे एग्जाम में तो नहीं बन रहा है, बना के ही छोड़ेंगे, वहां पर आप फंस जाएंगे. वो काम मत करिएगा, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, स्किप कर जाइए. उससे आपको पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, पर्सनल कोई आपको उससे लेना देना नहीं है. हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करने लगता है आप, हो सकता है बार बार कोई बोर्ड मास का रूल ही नहीं लगा पा रहे हैं आप, प्लस के जगह इंटू देख ले रहे हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है. तो यहां पर आपको ईगो पे क्वेश्चन को नहीं लेना है. आप अगर बना ले रहे हैं उसको तो ठीक है, नहीं बना रहे तो स्किप कर जाइए. ठीक, ओके. इसके बाद जो चौथा चीज देखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कम से कम आपको 5 मिनट रखना है अपने हाथ में जिससे आप दोबारा क्वेश्चन पे देख सकें. 5 मिनट आपको फिर से अपने पास रखना लास्ट में, ताकि आप जो शुरू से लेके अंत तक सारे क्वेश्चंस को दोबारा देख लें.
बात समझ रहे हैं आप? इससे फायदा क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपने छोड़ा था, हो सकता है कि उस समय आपको अचानक से याद आ जाए और वो काम आप कर लें। बात समझ रहे हो बाबू? तो वो काम आपको करना है कि एक बार जो है दोबारा लास्ट में घूमने के लिए आपको अपने पास 5 मिनट रखना है। अगर आप ये 5 मिनट रखते हैं आपको ही फायदा होगा, और ये फायदा आपको अभी नहीं समझ में आएगा जब आप एग्जाम देकर निकलेंगे तब, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या बनाया। बहुत सारा क्या होता है बच्चा, मैं करते जाता उनको पता ही नहीं होता हमने क्या कर लिया। तो आपके पास ये 5 मिनट मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हो डिया? हाँ, तो थोड़ी देर में हम लोग जयपुर भी चलेंगे। अभी जैसे कि 10:33 हुआ है तो 2-3 मिनट में चलेंगे, फिर वहां से यहां पे स्विच होगा, ठीक है? इस तरह से चलेगा, कभी दिल्ली कभी जयपुर, तो दोनों तरफ ये यहां पे कॉम्बिनेशन होते रहेगा ताकि आपको ज्यादा इरिटेशन भी नहीं हो, साथ साथ में चारों जो फैकल्टीज हैं हम लोग आपके सामने हो जाएं। साहिल सर के लिए आपको मैंने बताया कि आपका जयपुर में जो सेंटर है आप ये बता दीजिए किस कॉलेज में है, किस स्कूल में है, ताकि साहिल सर वहां पर आपके पास आए और आपको वो बताएं कि मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या क्या था और आगे आपको क्या करना है, वहां पर वो प्रेजेंस होंगे, ठीक है? हाँ, नंबर जो है वो लिखा हुआ है यहां पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है 7024×3625। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करें और बताएं कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से था। अब तो बच्चे निकलने भी शुरू हो गए होंगे एग्जाम हॉल से, लेकिन चलिए 5 मिनट बाद क्वेश्चन आएगा, तो अभी चलते हैं जयपुर। अब मैम कुछ बोलना आपको? ठीक है, तो जयपुर चलते हैं और उसके बाद दोबारा जब हम आएंगे तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। अभी चलते हैं जयपुर और मिलते हैं वहां पे, भुवनेश सर प्रेजेंट हैं और वो आपसे बात करेंगे। चलिए तो दोस्तों ये आपके जो कुछ क्वेश्चन है जो कि आ चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 10:30 बजे खत्म हो चुकी है, और फर्स्ट शिफ्ट खत्म होने के बाद में बच्चे बाहर आ चुके हैं, 2:35 हो चुके हैं, 10:35 हो चुके हैं, और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं अपने पास में, और वो क्वेश्चन जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंट लेके, मैथ के क्वेश्चन भेजने में टाइम लगता है, रीजनिंग के टाइम लगता है, लेकिन जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं करंट अफेयर वाले जो कि बच्चे आतवार टाइप करके भेज देते हैं। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, और बड़े सिंपल से सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं आता होगा या फिर नहीं बताया गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो बहुत सारे सिंपल से सवाल है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे काफी बच्चे हैं, ऑलरेडी 20,000 बच्चे हैं, और अपने मोबाइल में शेयर कर दो दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर और जितने भी आपके ग्रुप है व्हाट्सएप पे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे बड़े सिंपल सिंपल से सवाल है, और मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि जो एएलपी का एग्जाम हुआ है उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के, जीके के, और वो मिले हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर के कुछ जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल आया 2017 के नोबेल पुरस्कार का, पहला क्वेश्चन आया नोबेल पुरस्कार का कि नोबेल पुरस्कार के अंदर, ठीक है, लिटरेचर के अंदर किसको यह अवार्ड मिला है। देखिए मेजरली मैंने आपको बोला था कि अवार्ड वाला वीडियो करके जाना, उसमें से काफी वीडियो आपको, काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तो नोबेल अवार्ड से भी मिला है, फिल्म अवार्ड से भी क्वेश्चन आया है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे एक बुकर पुरस्कार, किसी ना किसी एक शिफ्ट कोई एक जगह पे बुकर पुरस्कार का ही पूछा गया है। तो इनके आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कम से कम ये जो क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 बार आपके रिपीट होंगे। एएलपी के अंदर भी एक तरीके के क्वेश्चन कई जगह पे रिपीट हुए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये वाले भी देख लेते हैं, ठीक है? नोबेल अवार्ड लिटरेचर की बात करें 2017 की बात करें तो इशू गुरु को मिला था यह अवार्ड। इशू गुरु एक राइटर है, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चों ने लिटरेचर लिख के भेजा है, कई बच्चों ने पीस का भी लिख के भेजा है कि पीस का भी अवार्ड जो है वो कहां पे मिला है, ठीक है? लिटरेचर और पीस, कई बच्चों ने लिटरेचर भेजा है, कई ने पीस भेजा है, तो मैं दोनों आंसर आपको बता देता हूं। पीस की बात करें तो ICAN है, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन को अबोलिश करने के लिए कैंपेन चलाया गया था, इंटरनेशनल कैंपेन ऑफ अबोलिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो उसको तो मिला था पीस का अवार्ड, और यहाँ पे लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला था, इशू गुरु को मिला था। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आए क्वेश्चन, तो बच्चों ने इसको भेजा है। एक क्वेश्चन आया नेशनल फिल्म अवार्ड का, बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 का पुरस्कार किसको मिला है, कौन सी बेस्ट फीचर फिल्म हुई है, तो विलेज रॉकस्टार है। मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, बोला था कि विलेज रॉकस्टार ये सवाल आ सकता है नेशनल फिल्म वाले, तो एक किसका आया, विलेज रॉकस्टार का आया है, ठीक है? विलेज रॉकस्टार करके एक पिक्चर है,
उसको 2018 का नेशनल अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मैं आपको एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस भी ध्यान रख लीजिएगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो नेशनल फिल्म को मिला है वो रिद्धि सेन है, उनको मिला था, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उसके अंदर एक्ट्रेसेस की कैटेगरी के अंदर, तो एक्ट्रेसेस के लिए मॉम मूवी के लिए श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है। ये दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस भी ध्यान रख लेना, ये भी आपके पेपर में काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वापस से आपके सवाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही है, काफी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। विलेज ऑक्सर आपको पता है, देखो कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक तो मेरे पास ऐसे आए नहीं जो कि ऐसे क्वेश्चन हो जो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सवाल फिर भी थोड़ा सा अलग सा है जो आपको थोड़ा लगेगा, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, एक सवाल यह आया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो उसको नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, इसको लॉन्च किया गया था, ओके। एक सवाल यह आया है, एक सवाल बड़ा सिंपल सा है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, जापान के पीएम कौन है, तो शिंजो एबे आपको मालूम ही है, सभी को मालूम है जापान के प्रधानमंत्री कौन है, एक बड़ा ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और एक सवाल ये भी आया है अभी रिसेंटली कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको सिटीज के बारे में पढ़ा रहा था कि कौन सी सिटी को क्या नाम से जाना जाता है, तो एक सवाल आया भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर के तौर पर किसको जाना जाता है, तो आप सभी को मालूम है अहमदाबाद सिटी जो है, ठीक है, अहमदाबाद सिटी जो है उसको भारत के मैनचेस्टर के तौर पे जाना जाता है। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने नीति आयोग दिया है, शिंजो एबे आप सभी को मालूम है। तो प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े देश के हैं जैसे कि बांग्लादेश की हो गई, शेख हसीना हो गई, पाकिस्तान के अभी इमरान खान बने, प्रेसिडेंट वहां पे अरिफ अलवी बने, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने काफी इंपॉर्टेंट है, और अपने मोबाइल में शेयर कर दो दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर सब जगह पे कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और एक ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने आपको बताया ना, ये नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है, जो उसके अध्यक्ष कौन है, पीएम मोदी है, इसके अलावा वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव कुमार है, और डायरेक्टर कौन है, दिनेश अरोड़ा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इनमें से फिर से सवाल आएगा। बिल्कुल सही है अहमदाबाद, बहुत बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, ठीक है ना। चलिए और अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह का सवाल पूछा गया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह तो आप सभी लोगों को मालूम है, ठीक है, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो एक सिंपल सा सवाल ये आपके पेपर में आया, तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि ऐसा मुश्किल सवाल हो जो कि बहुत दिक्कत हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, सबसे भारी है, मतलब एक्चुअली में सबसे बड़ा नहीं है, सबको सबसे भारी करेंगे अपन, सबसे भारी की बात यही है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सबसे भारी है। बिल्कुल सही है, जुपिटर है, बृहस्पति है वो, बिल्कुल सही है, काफी बच्चों का सही आंसर आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बृहस्पति है। अगला सवाल देख लेते हैं, एक सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, यार मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट किस चीज को लेकर है, एक सवाल यह आया था, तो हमने इसको कई बार कवर अप किया है, जो जितने भी हमारे बंदरगाह है ना, जितने भी अपने बंदरगाह हैं, पोर्ट है, उसको मॉडर्न करने को लेकर यह सवाल आया है, ठीक है। और जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं आपके, कोई भाई बंधु रिलेटिव है तो उनको बता दो कि व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्वेश्चन भेज दें ताकि अपन सभी बच्चों से शेयर कर सके, ठीक है। 7026 नंबर बता देता हूं आपको, 7023336 25, इस वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर देना दोस्तों, कई बच्चों ने व्हाट्सअप कर रहे हैं, इसी वजह से आपको मदद मिल रही है, आप भी करोगे तो बाकी को मदद मिलेगी, ठीक है। अपना परिवार एक दूसरे को मदद करेगा तभी तो आगे अपन वो कर पाएंगे, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो दोस्तों, अभी तक 30,000 बच्चे भी नहीं आए, यार क्या कर रहे हो, शेयर करो वीडियो को ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। कितने बच्चों ने पेपर दिया रेलवे का आपको पता है, बहुत बच्चों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही है, बंदरगाह पोर्ट को करने को लेकर सागरमाला प्रोजेक्ट। एक हिमायत प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, हिमायत प्रोग्राम जो है वो कौन से राज्य में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। हिमायत प्रोग्राम थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था, हिमायत प्रोग्राम जो है वो अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया गया था ताकि वहां के यूथ को हम ट्रेनिंग दे सके अच्छे तरीके से, वहां पे टेररिज्म को खत्म कर सके। तो ये हिमायत प्रोग्राम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है, JNK। एक सवाल ये वाला है, और भी कई सवाल आ रहे हैं जैसे जैसे मैं आपको कराते जाऊंगा, ठीक है ना। एक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम आया कि अभी मई, आपको पता है ना
मई 2018 के अंदर वेनेजुएला के अंदर इलेक्शन हुए थे और वहां पे प्रेसिडेंट कौन चुने गए, तो रिसेंटली जहां जहां पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक सवाल वेनेजुएला की बात हो तो मादुरो है ना, मादुरो है, ठीक है, निकोलस मादुरो है जो कि वहां पे अभी प्रेसिडेंट बने। एक कैपिटल आया, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी, यार कितना सिंपल सा सवाल है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है। सुबह डेली करंट अफेयर के अंदर और हर जगह पे मैंने आपको बता चुका हूं। एक सवाल आया त्रिपुरा के सीएम बिप्लव, आपको मालूम है कई बार बता चुका हूं, ठीक है, मणि सरकार पहले थे और उसके बाद में बिप्लव बने हैं दोनों। तो यहां पे नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टरडम इसका सही आंसर होगा, आपको मालूम है एम्स्टरडम तो अपन ने करा ही है अपन ने, ओके कई बार आपको पता ही है। त्रिपुरा के सीएम पे एक सवाल पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, सभी बच्चे भेज रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल सही है माधुरो, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। और शेयर कर दो यार दोस्तों, कम से कम 40-50 हज़ार बच्चे तो कम से कम देखने चाहिए, इतना बड़ा पेपर हुआ है, रेलवे की वैकेंसीज बार बार नहीं आती है तो सभी को फायदा पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 20-50 हज़ार बच्चों को फायदा पहुंच रहा है, बिल्कुल सही है। एक सवाल आया फोर्ब्स का, एक ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि फोर्ब्स ने पूछा है कि भारतीय इंडियन कौन से अरबपतियों के अंदर सबसे नंबर वन पे कौन सा है, ठीक है, सभी को मालूम है यार इसके बारे में, हर एक बच्चा बच्चा जानता है कि देश के अंदर मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है, ओके। तो एक सवाल ये फोर्ब्स मैगजीन का आया जो कि सिंपल सा सवाल है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अजीज प्रेमजी, ये ऑप्शन के अंदर आए होंगे तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही है एम्स्टरडम, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, काफी बच्चे एम्स्टरडम, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, त्रिपुरा का सीएम भी आपने बिल्कुल सही बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पे बुकर पुरस्कार से पूछा गया है, अब देखिए मेरे को पता है कई बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा, एक पूछ रहा है मैन बुकर पुरस्कार का अवार्ड है, अब मैन बुकर पुरस्कार की अगर मैं बात करूं मैं यहां पे तो 2018 का पूछा गया है, समझ गए, ये जो अवार्ड मिला है 2018 का मैन बुकर पुरस्कार का, ये किसको मिला है, ये मिला है ओल्गा को, ठीक है, ओल्गा एक पोलैंड के राइटर है, उनको मिला है, समझ गए। एक सवाल ये वाला है, ओके, नोबेल पुरस्कार वाला मैंने आपको बताई दिया, नोबेल पुरस्कार 2017 वाला मैंने आपको बताई दिया कि वो आएगा, वो आ गया, वो वाला तो मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है, वो भी कई बच्चों ने भेजा है। एक सवाल अब देखिए यहां पे कई बच्चों ने गलत किया, क्या होगा मैं आपको बताता हूं, मैन बुकर पुरस्कार अलग है, 2018 का ओल्गा को मिला है, लेकिन कई बच्चों ने बुकर पुरस्कार समझ लिया होगा उसको, बुकर अलग है, मैन बुकर अलग है, बुकर पुरस्कार अलग है, दोनों को कंफ्यूजन मत होना, मैं आपको क्वेश्चन तो ये वाला आया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं डिफरेंस क्या है ताकि आप अगले एग्जाम के अंदर गलत ना करो, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो यहां पे ये मिला था लिंकन इन द बार्डो, बुकर पुरस्कार 2018 का अभी तक नहीं मिला है, वो अक्टूबर के अंदर मिलेगा, सितंबर पिछले साल का 2017 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो लिंकन इन द बार्डो उसके लिए मिला है, जॉर्ज सॉन्डर्स को, समझ गए, जॉर्ज सॉन्डर्स को मिला है। एक सवाल एक और आया कि बेस्ट सिटी टू लिव इन, मैंने आपको कल ही कराया था, कल चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बोला था कि दुनिया में बेस्ट रहने के लिए सिटी कौन सी है वर्ल्ड में, वो बताया गया है किसको, वियना को बताया गया है, मैंने कल आपको उस टाइम पे बोला था और मैंने आपको इंडिया का भी बताया था हाथों हाथ कि इंडिया के अंदर जो बेस्ट सिटी रहने के लिए कौन सी है, पुणे है, समझ गए। तो ये पुणे वाला जो सवाल है वो आज के आपके पेपर के अंदर आया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 की जो रैंकिंग है, इंडेक्स है ये, मैंने आपके लिए इंडेक्स का भी एक वीडियो बनाया था उसके अंदर भी बताया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने यहां पे सही आंसर दिया है। तो उसकी बात करें लिविंग इंडेक्स की तो मैंने इंडेक्स के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, कल मैंने आपको जुलाई से लेकर जो सितंबर के क्वेश्चन दिए हैं करंट अफेयर के उसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। भोपाल गैस त्रासदी की बात कही, एक सवाल आया भोपाल गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस है जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, एक सवाल यह आया है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट करके गैस का नाम था जो आपको ध्यान रखना है, समझ गए। एक सवाल यह भी आया है पेपर के अंदर, यह आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपके लिए एक सवाल बनाया था सीईओ का वीडियो, आपको ध्यान है एप्पल के सीईओ का नाम आ गया, अब यार ये ऐसे सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप छोड़ोगे क्या, ठीक है। तो एप्पल के सीईओ का आया तो आपको मालूम है टिम कुक है अभी एप्पल के सीईओ, क्या नाम है, टिम कुक, ठीक है। तो सीईओ का मैंने पूरा का पूरा आपको वीडियो बना के दिया है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, और भी
बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं मिथाली, मिथाली का भी एक सवाल आया है, तो ये पूरा मेरे को एक्चुअली मिथाइल आइसोसाइनेट, अच्छा यानी कि आप आइसोसाइनेट का बात बता रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और एक यहाँ पे सबसे स्वच्छ स्टेशन का भी सवाल आया है, तो आपको मालूम है जोधपुर के बारे में मैंने आपको रैंकिंग बताई थी, सबसे स्वच्छ स्टेशन के मैंने आपको रैंकिंग दी थी, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो स्टेशन है उनको अवार्ड मिला है, समझ गए। तो सबसे स्वच्छ स्टेशन के बारे में भी पूछा गया है, तो सबसे स्वच्छ स्टेशन की बात करूं अगर मैं तो राजस्थान के जोधपुर शहर है A1 कैटेगरी और A कैटेगरी, ऐसी दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो उस दो कैटेगरी के अंदर जोधपुर था और मारवाड़ था, ऐसी करके दो तीन स्टेशन थे, तो एक वो सवाल आया है। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों का बिल्कुल सही है। और दोस्तों शेयर करते रहो अपने व्हाट्सएप के अंदर, हर ग्रुप के अंदर, यार बच्चे जितने देखेंगे उतना फायदा होगा, एक दूसरे की मदद करेंगे तभी अपना एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। इस बार वाईफाई स्टडी परिवार से कम 40,000-50,000 वैकेंसी ALP और आपके ग्रुप डी दोनों मिला के जाने चाहिए। ओके, एक सवाल आया स्मार्ट सिटी को लेकर, 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी चुनी गई है। मैंने आपको कराया था ये वाला सवाल आपके करंट अफेयर के अंदर, आपको याद होगा जब मैंने जनवरी से जुलाई वाला सेक्शन बनाया था, मैंने कल आपको बोला भी था, वो वीडियो देख के जाना, तो एक सवाल उसमें से आया है, बिल्कुल सही है। ओके, एक सवाल वो वाला है, 100वीं स्मार्ट सिटी, तो कौन सी चुनी गई थी 100वीं स्मार्ट सिटी, ये शिलोंग चुनी गई थी। शिलोंग क्या है, मेघालय की राजधानी है, ठीक है, तो शिलोंग एक सवाल ये वाला आया है। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का भी सवाल आया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का भी सवाल आया है, तो देखो अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का सवाल आया है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के जो PM बने हैं वो तो बने इमरान खान, वो तो आप सभी को मालूम है, ठीक है, क्रिकेटर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम ALP के एग्जाम के अंदर आया था, क्या नाम है पार्टी का नाम, PTI, ठीक है, पाकिस्तान तारीख इंसाफ, ये इनकी नाम है पार्टी का, तो ये सवाल आएगा पेपर के अंदर, वापस से आएगा, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की जो इनकी पार्टी है ना उसका नाम आएगा। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है, प्रेसिडेंट की बात करें तो अरिफ अलवी नाम से है, ओके, जो कि वहां के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, काफी बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी कौन सी, कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी शिलोंग होगी यार, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, और बिल्कुल सही है, काफी बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं PTI का, और ये कुछ एक सवाल है, और एक सवाल यहाँ पे एक और पूछा गया, वेनेजुएला वाला मैंने आपको बता दिया ना, वेनेजुएला वाला और आ रहा है, GII को लेकर एक इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, तारीख इंसाफ बिल्कुल सही है, ठीक है, CEO वाईफाई, अरे ये क्वेश्चन नहीं आया पेपर में यार, बच्चे बोल रहे हैं CEO वाईफाई स्टडी, ये सवाल आया है, ये सवाल आने में टाइम लगेगा, अभी नहीं आया, ठीक है, 2-4 साल लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, 13वें प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है, काफी बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। ओके, एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आया, रजत वर्मा जी ने बताया, एक अर्थव्यवस्था का भी सवाल आया है कि अर्थव्यवस्था को लेकर, तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपको मालूम है ना, फ्रांस को हटाकर भारत दुनिया की 6थी अर्थव्यवस्था, ओके, जो इकोनॉमी है वो बन चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, एक सवाल बड़ा सिंपल सा आया कि पद्मावत जो मूवी आई थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने किया था, तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, आपको याद है, जिसके अंदर मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन दिए थे पद्मावती से रिलेटेड कौन कौन से आ सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपसे डिस्कशन किया था। ओके, तो यहां पे बात करें, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो पद्मावत मूवी जिसका नाम पहले पद्मावती था, पद्मावत मूवी के अंदर खिलजी का जो रोल किया था वो किसने किया था, रणवीर सिंह ने किया था, सिंपल सा सवाल है, और उसका जो, ठीक है, और दूसरा अपोजिट कौन थे अपने, शाहिद कपूर थे। एक सवाल आया है आपके बिहार के गवर्नर, बिहार के गवर्नर पूछा गया है, ठीक है, अभी अभी बताया मैंने, बिहार के गवर्नर एक सवाल आया, बिहार के मैंने आपको बताई थी 7 नए जो गवर्नर बने हैं, मैंने उनकी आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड किया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके ग्रुप डी के अंदर जो नए वाले जो गवर्नर है उनका आपको आंसर करना है, समझ गए। तो बिहार के जो गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन, ठीक है, टंडन जी बनाए गए हैं, मतलब लालजी टंडन है जो कि बिहार के गवर्नर बनाए गए, पहले जो यहाँ पे गवर्नर थे उनको JNK भेज दिया गया है वो। ओके, तो ये इस तरीके से 7 गवर्नर के शिफ्टिंग हुई है। एक सवाल आया भारत के खेल मंत्री, इतना सिंपल सा सवाल आया, मैंने आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खेल वाला बंदा, खिलाड़ी कोई खेल मंत्री बनाए, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर आपको मालूम ही है, तो राठौर साहब कौन है, राज्यवर्धन राठौर साहब है जो कि गवर्नर, माफ कीजिएगा, खेल मंत्री है अभी इंडिया के, अभी एशियन गेम्स के अंदर वो मिलने भी गए थे। एक सवाल कल मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड,
मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि 90% बच्चे क्या करेंगे, या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंसर करेंगे या फिर मेसी आंसर करेंगे, और दोनों ही आंसर नहीं है। यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो ठीक है, वो क्या नाम था उनका, उनको एम से करके कुछ नाम था, याद है ना, मैंने कल ही आपको बताया था, अजीब सा थोड़ा सा नाम था, एम से करके नाम था उनका। ओके, तो मेरे को याद, एकदम से याद नहीं आ रहा नाम, तो मैंने आपको बोला था मेसी रोनाल्डो मत कर देना, मैड्रिक मॉड्रिक ऐसे कुछ करके उनका नाम था। ओके, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर कल ही मैंने आपको समझाया था और बताया था, ठीक है। तो ये एक सवाल आया है, एक सवाल आया लेफ्ट हैंडर्स डे, ठीक है, थोड़ा अजीब सवाल है लेकिन ये सवाल भी आपके आया है, लेफ्ट हैंडर्स, ठीक है, जो लेफ्ट हैंडर्स डे होता है वो, एक वो सवाल आया है। ओके, तो एक ये वाला सवाल आया, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। विच पार्टी, पीटीआई पार्टी है पाकिस्तान वाली जो इमरान खान की है, एक सवाल ये भी बोल रहे हैं। एक उड़ीसा के सीएम का सवाल है, मैंने आपको सीएम का और गवर्नर का वीडियो दिया था, मैंने आपको बोला था कल करके जाना, उड़ीसा के सीएम का है तो नवीन पटनायक उड़ीसा के है ना, हाँ बिल्कुल सही है, नवीन पटनायक ही है, तो सीएम ऑफ उड़ीसा, ठीक है, नवीन पटनायक आपको मालूम है। ये क्वेश्चन आपके एएलपी के अंदर भी आया था, आपको पता है ना, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि एएलपी में आ चुके हैं और आपके ग्रुप डी के अंदर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। लुका मॉड्रिक बिल्कुल सही है, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, हाँ बिल्कुल सही है, लुका मॉड्रिक आंसर है इसका, बिल्कुल सही है, मैंने कल ही आपको बोला था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मॉड्रिक आंसर होगा। ये क्वेश्चन वापस आएगा, मैं बता रहा हूं, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि किसी फुटबॉलर को मिलता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन वापस से अगली शिफ्ट के अंदर भी, या अगला जो है ना वो भी आएगा, बिल्कुल सही है। और भी कई सारे बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं, ह्यूमन राइट्स डे, एक सवाल बच्चे ने भेजा है ह्यूमन राइट्स डे को, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है ह्यूमन राइट्स जो डे है ना ये काफी महत्वपूर्ण दिवस है, और ह्यूमन राइट्स डे की बात करें तो ये आता है आपके 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे आता है, तो एक ये सवाल आया है। और एक सवाल दिसंबर की बात कर रहे हैं तो दिसंबर में एक सवाल और आ सकता है आपके पेपर के अंदर, जो कि आ सकता है वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे भी आ सकता है, ठीक है ना, तो अगर वर्ल्ड एड्स डे आया तो आपको आंसर करना है 1 दिसंबर, ठीक है, ये वाला आया नहीं अभी लेकिन आ सकता है, और ये अभी पूछा गया है ह्यूमन राइट्स डे, समझ गए, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, और शेयर करो दोस्तों जितना हो सके यार, ओके, ताकि देश के हर बच्चे तक ये एनालिसिस पहुंच सके और उसको फायदा मिल सके। बात सिंपल सी है, जितने अपन शेयर करेंगे व्हाट्सएप के अंदर, अपने फेसबुक पे, हर जगह पे, तो उतना ही अपने बच्चों को बेनिफिट होगा और उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे अपने। ओके, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हाफ सेंचुरी होने वाली है, 45K बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, तो हाफ सेंचुरी पूरी होनी चाहिए इस बार। ओके, कम से कम 50,000 बच्चे नहीं देख रहे हैं, आपके लिए 10:30 बजे से एनालिसिस के लिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि गए हैं और इस बार उनको बुलाया वहां पे, ठीक है, कि क्वेश्चन भेजो। ऑस्कर अवार्ड का भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड का भी दिया अवार्ड आया कि किस देश में दिया जाता है, ठीक है, किस देश में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड तो आपको पता है ना, एक सवाल ये भी आया है, ऑस्कर अवार्ड का आया, मैंने आपको बताया था, ऑस्कर के ऊपर वीडियो भी दिया था मैंने आपको, कौन सी पिक्चर को मिला है, करके जाना ये सारे वीडियो, अगर नंबर चाहिए अच्छे तो करके जाना, ये वीडियो बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड कहाँ पे, यूएसए में दिया जाता है यार, आप सभी को मालूम है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐसा। और जिन जिन को, ठीक है, जिन जिन को मिला है वो वीडियो मैंने आपको दिया है तो देख के जाना। एक वोटर्स डे भी पूछा गया है, एक वोटर्स डे की बात करें तो एक पूछा गया है नेशनल वोटर्स डे का सवाल, एक बच्चे ने कमेंट किया है नेशनल वोटर्स डे के बारे में पूछा है, तो नेशनल वोटर्स डे की बात करें दोस्तों तो ये मेरे ये 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे आता है, ठीक है, तो 25 जनवरी इसका सही आंसर होगा। तो ये सवाल मैंने आपको करंट अफेयर में करवाता रहता हूं ना, कितनी बार मैंने आपको बताया, ठीक है। और वर्ल्ड कंप्यूटर डे भी आया है, एक सवाल एक और आया, ये थोड़ा सा अजीब सवाल है, वर्ल्ड कंप्यूटर डे हो गया, एक सवाल हो गया वर्ल्ड वर्कर डे, एक वर्ल्ड वर्कर डे भी आया है, ठीक है, बिल्कुल सही, सारे करंट अफेयर वही आए यार दोस्तों जो कि अपन ने करे हैं, कितने ही मेहनत करी है अपन ने पिछले 2-3 महीने से, जब से आपसे रेलवे के एग्जाम चालू हुए 2017 के जुलाई से करंट अफेयर स्टार्ट किया था, हर एक दिन का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है आपको कराया है। देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते हो आप 20-25 क्वेश्चन के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें से 50-70% का जो वेटेज आपके रेलवे के एग्जाम में आता है वो करंट अफेयर का आता है। तो करंट अफेयर को अगर आप स्मार्टली करके जा रहे हो तो आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो देश में किसी के नहीं बनेंगे इतने नंबर, अगर आपके नहीं आ रहे तो किसी के नहीं आ रहे, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी पता है मेरे को। यहाँ पे वर्ल्ड वर्कर डे बच्चे बोल रहे हैं 1 मई को आता है,
तो हो सकता है आई डोंट नो अबाउट इट वर्ल्ड वर्कर डे, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल शेयर करो दोस्तों, जितना हो सके शेयर करो यार, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों के, बिल्कुल इतने सारे डे, एक बच्चे बोल रहा है इतने सारे डे कैसे याद करेंगे। देखो ये वर्ल्ड, ये जो कंप्यूटर डे है ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आ गए तो ये किस्मत खराब वाली बात है, अदरवाइज जो मेजर मेजर होते हैं वो मैंने आपको करवा रखे हैं, वर्ल्ड वोटर डे हो गया, ह्यूमन राइट्स डे हो गया, वर्ल्ड एड्स डे हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में मेजरली जो आप करके जाओगे तो आपके आएंगे, बिल्कुल सही है। और भी कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, लुका मैड्रिक यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैं बता चुका हूं वो क्वेश्चन आपको, लुका मॉड्रिक है जो कि जिनको यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वर्ल्ड वर्कर डे का सवाल आया जो कि आंसर 1 मई है, बच्चे बता रहे हैं, और एक वर्ल्ड कंप्यूटर डे का भी आया है, तो वर्ल्ड कंप्यूटर डे की बात करें तो 2 दिसंबर बच्चों ने बताया, आंसर सही है गलत है आई डोंट नो अबाउट इट, बच्चों ने बताया यहाँ पे कि 2 दिसंबर है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। एक ये सवाल है, एक आया है एशियन गेम्स का अवार्ड भी, एक बच्चे ने बोला है एशियन गेम्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एशियन गेम्स के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दिया है दोस्तों, और एक कॉमनवेल्थ गेम्स का भी बना के दिया है, ठीक है ना। तो एक कॉमनवेल्थ, एक तो सवाल आया है आपके एशियन गेम्स से जो कि मैंने आपको दावे के साथ बोला था कि आएगा ही आएगा, ओके। एक सवाल आया कॉमनवेल्थ का, कल ही मैंने आपको बोला था कि मैंने कॉमनवेल्थ का वीडियो आपको बना के दिया है, तो वो भी जरिए देखिएगा, ठीक है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में एक सवाल आया है, और एक यहां पे आया है, एक सवाल आया इंटरनेशनल वाटर डे के बारे में पूछा गया है, तो इंटरनेशनल वाटर डे की बात करें तो 22 मार्च को आता है इंटरनेशनल वाटर डे, ठीक है ना। तो ये जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं ये सवाल को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से काफी क्वेश्चन है जो कि रिपीट होंगे, 2-3 महीने अगर आप पेपर चलेंगे तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन इतने नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात है इतने है नहीं, तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और शेयर कर दो जितना हो सके, ओके। एक ग्रैमी अवार्ड का क्वेश्चन आया, बच्चों ने बोला बिल्कुल सही, ग्रैमी अवार्ड का मैंने आपको वीडियो भी दिया था, कल भी मैंने आपको बोला था ग्रैमी अवार्ड का आया है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहे। जितने पेपर होने वाले हैं, चाहे आपके 100 बार पेपर हो चाहे 200 बार पेपर हो आपके इस ग्रुप डी के अंदर, हर पेपर का एनालिसिस अपन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, वीडियो को लाइक भी कर दो, और साथ में शेयर जरूर करो ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है ना। अपने परिवार एक दूसरे की मदद करके तो बढ़ रहा है यार, ऐसे तो बढ़ेंगे आगे, बिल्कुल सही है। तो एक सवाल मैंने अभी आपको बता रहा था ग्रैमी अवार्ड का मिला है, ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है ये मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, ये ब्रूनो मार्स है उनको मिला है, ब्रूनो मार्स को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो एक ग्रैमी अवार्ड का भी ध्यान रखना है आपको। एक वर्ल्ड टीचर्स डे आया अभी कुछ दिन पहले गया यार, अभी सितंबर के अंदर ही गया है वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे अलग है, वर्ल्ड एक नेशनल टीचर्स डे अलग है और वर्ल्ड टीचर्स डे अलग है। वर्ल्ड टीचर्स डे की अगर मैं बात करूं तो आई गेस अक्टूबर के अंदर आता है ना, 5 अक्टूबर के समवेयर है मेरे ख्याल से, ठीक है 5 अक्टूबर के आसपास आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। तो एक वर्ल्ड टीचर्स का सवाल आया, नेशनल टीचर्स डे अलग है वर्ल्ड अलग है, मैंने आपको बताया भी था कुछ दिन पहले जब ये दिन आया था करंट अफेयर के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे, बिल्कुल सही है, ओके बिल्कुल सही है। अरे एक सवाल ये भी आया जो मैंने कल आपको बताया था, जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट की पहली फीमेल हाईकोर्ट की जो जज है वो भी आया, कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया एक सवाल, जेएनके की जो जज बनी है अभी पहली फर्स्ट फीमेल हाईकोर्ट की जो जज बनी है, ठीक है एक सवाल आया, तो सदीफा सदीरा करके इनका नाम है, ठीक है मैंने आपको बताया था उस टाइम पे, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, ये भी एक सवाल बिल्कुल सही है। काफी बच्चों ने यहां पे दोस्तों शेयर करो यार, एक सवाल 377 को लेके बोल रहे हैं बच्चे, 377 को रिलेटेड फर्स्ट कंट्री, ठीक है धारा 377 अपने आप अभी इंप्लीमेंट हुई है तो आपको बताया इसके बारे में एक सवाल है, इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने आपको बना के दिया था। वर्ल्ड टीचर्स डे बिल्कुल सही है जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सही है। गीता मित्तल बिल्कुल सही है, गीता मित्तल जो हाईकोर्ट की जो जज है वो मैंने आपको बताया था, गीता मित्तल जी है, गीता मित्तल है जिनको अभी बनाया गया है जम्मू कश्मीर के, तो ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था और कल ही बताया था और आज आपके क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे सवाल है दोस्तों जो कि अगर आप पूरी किताब पढ़ने बैठोगे ना करंट अफेयर की, मनोरमा या कोई भी, तो भी आपको पता नहीं चलेंगे, तो इंपॉर्टेंट निकालने के बाद मैं आपको दिया है, तो सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अपन ने पढ़े हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैडम बता रही है, कौन सा वाला है,
एक पूछा गया विशाखापट्टनम किस स्टेट के अंदर है, तो यार मैंने आपको कितनी बार बताया है विशाखापट्टनम और जो सिटीज छोटी छोटी जो सिटीज है टीयर टू सिटीज है ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का मैप ध्यान रखो कौन सी जगह पे होता है, तो इसको विशाखापट्टनम को अपन वाइजैक भी कहते हैं और ये आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। विशाखापट्टनम पोर्ट है ना, आपको पता है ना विशाखापट्टनम पोर्ट को लेकर। तो कल मैंने आप एक दो दिन पहले कुछ दिन पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में एक वीडियो दिया था कि कौन कौन सी जगह पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तो मैंने उस टाइम पे वाइजैक के पोर्ट के बारे में भी बताया था आपको, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल एक और मैडम ने यहाँ पे बता रही है, कौन सा सवाल है, एक और आया है एक वुमेन फीफा वर्ल्ड कप का भी एक सवाल आया है। अब ये क्या पूछा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन तो अपने को पता नहीं है, लेकिन वुमेन फीफा वर्ल्ड कप का सवाल आया है, ठीक है। मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, फीफा वर्ल्ड कप का भी बना के दिया है, ग्रैमी का भी बना के दिया है, ऑस्कर का दिया है, नेशनल अवार्ड दिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने दिए, तो वो देख लेना। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मेजरली इंडिया के अंदर जितने भी जगह पे सवाल आए ना वो सारे यही है। एक सैमसंग के सीईओ का सवाल आया है, सैमसंग के सीईओ, तो कोई जियांग करके आई गेस इनका नाम है, ठीक है, जियांग कुछ समथिंग करके सैमसंग के सीईओ का नाम है। कोरियन कंपनी है तो कोरियन नाम है तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आई थिंक कोई सियांग लियांग ऐसे कुछ करके नाम है इनका, है ना। एक मिस वर्ल्ड का सवाल आया, आपको पता है मिस वर्ल्ड जो रिसेंटली बनी है वो भारत की बनी हुई है, मनुश्री चिलर, कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है। ये सवाल एएलपी के अंदर कम से कम 5 बार आया था मिस वर्ल्ड का सवाल, और सेम सवाल इस बार आपके ग्रुप डी के अंदर भी आया, तो कहां से आएगा सवाल, यही है यार मिस वर्ल्ड का सवाल आया है, ठीक है। मिस वर्ल्ड की बात करें तो मनुश्री चिलर है, कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से, यह भी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। एक आया है, एक सवाल आया वर्ल्ड बर्ड डे, रामनाथ कोविंद कितने महिलाओं का एक सवाल, एक और रामनाथ, ठीक है, एक रामनाथ को जो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, उनके ऊपर भी एक सवाल आया है, तो पूरा पता नहीं क्या सवाल है, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। और ये सवाल है एक वर्ल्ड बर्ड डे भी पूछा गया है, ठीक है। ये जो सवाल आपके पहले शिफ्ट में आज के दिन में आ रहे ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सवाल आया वर्ल्ड बर्ड डे, तो आपको सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं आज के जो पेपर में आया ये याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 13 अक्टूबर को आता है, ठीक है, 13 अक्टूबर को वर्ल्ड बर्ड डे आता है, तो एक सवाल ये पूछा गया है। सैमसंग के बिल्कुल सीईओ के सवाल, मिस यूनिवर्स का भी सवाल, ओके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा गया है, तो ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था जब भी मैंने आपको बताया था, ओके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा गया है, ठीक है, एडम स्मिथ इनका नाम है। तो कई बार मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन कराए थे तो उस टाइम पे बताया था कि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, सुपर कंप्यूटर कौन हो गया, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया था विंस करके, एक वो हो गया, इकोनॉमिक्स के फादर हो गए, बायोलॉजी के फादर, जूलॉजी के फादर, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है और पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आए आपके पेपर के अंदर। हिस्ट्री का क्वेश्चन यार एकाधी, भाई पद्मावती वाला जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का ही तो क्वेश्चन है, हिस्ट्री से कोरिलेट करके करंट अफेयर का क्वेश्चन बना दिया, तो इसी तरीके से सवाल बनते हैं अपने। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हिस्ट्री साइंस के बायोलॉजी के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट करके आएंगे। तो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का जो सवाल पूछा था 2019 का कहां पे हुआ है, ये सवाल आया था, ठीक है, किसने जीता है, ये सवाल था, कैसे ना 2019 का कहां पे होने वाला है, मतलब 2019 का कहां पे होने वाला है वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप, एक ये सवाल आया है। तो ये कहां पे होने वाला है, ये फ्रांस के अंदर होने वाला है, ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का फ्रांस के अंदर होने वाला है, एक सवाल ये है। और मैंने आपको कल ही चिल्ला के एक बात और बोली थी कि फ्लिपकार्ट जो है वो कौन से कंपनी ने इसको खरीदा है, ये सवाल आएगा, आपके पूछ सकते हैं, ये कल या परसों के दिन एक दो दिन में मैंने आपको बोला था ये सवाल आएगा, तो आपके ये सवाल आया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सवाल आपके ग्रुप डी के अंदर या फिर आपके जो एलडीसी के पेपर होते हैं उनके अंदर पूछा जाएगा। तो ग्रुप डी के अंदर पूछा गया फ्लिपकार्ट को 70% जो उसकी शेयरिंग है किसके पास चले गई, वॉलमार्ट के पास में चले गई, जो कि यूएसए की कंपनी है, ठीक है, वॉलमार्ट के पास में चले गई है, तो अब वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितने क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए देश के अंदर कई जगह पे पेपर हुआ है, कई जगह पे सवाल आए, तो ये सारे के सारे सवाल आए और बिल्कुल सही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए दोस्तों अब अपन थोड़े से जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, मैथ के रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी अपन चलते हैं दिल्ली, वहां पे आपके शिप्रा मैम है जो कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेगी, हितेश सर है वो आपके, ठीक है,
वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करिए दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, अपने फेसबुक पे, हर जगह पे। कम से कम 50 के बच्चे तो होने चाहिए यार, 50 के बच्चे तो लाइव होने चाहिए ना अपने आज के टाइम पे, तब जाके तो बच्चों को बेनिफिट होगा, अदरवाइज ऐसे कैसे होगा। बिल्कुल सही है। ओके, तो चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली अपने नितेश सर और शिप्रा मैम है, जो कि जनरल साइंस के कई सारे क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। बने रहिए, आपके लिए लाइव भी एग्जाम सेंटर से आने वाला है, कैसा पेपर आया है, क्या हुआ है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको वहां पे पीडीएफ मिलते रहे, हर एक जो जो टॉपिक बताए सारे उसी में से आए, चाहे देश का कोई सा ही पेपर हो दोस्तों, गारंटी है आपको। चाहे आप सिविल सर्विसेज दे लो, चाहे आप आरएस कोई भी पीएसयू का पेपर दे लो, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे लो एसएससी बैंकिंग का, आपको बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और जीके के बिना आज के टाइम पे एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखो, वहां पे आपको वाईफाई एप्लीकेशन में मिलेगी। आपको क्विज मिलेगा, वीकली लाइव टेस्ट मिलेगा, हर वीक आपके लाइव टेस्ट होता है। अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो हर संडे को आपके लाइव टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होता है, जो कि अभी ग्रुप डी का अभी संडे फिर से होगा, तो वो टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। दिल्ली चलो और वहां पे देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में उम्मीद है आप धूम मचाने वाले हो, बहुत बढ़िया पढ़ने वाले हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और स्वागत है आप सभी का क्वेश्चंस के साथ। भुवनेश सर के साथ आप लंबे समय से जुड़े हुए थे, अभी हम जल्दी से 2 से 5 मिनट के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कम आए हैं रीजनिंग के, और उसके बाद मैम के पास चलेंगे। मैम के पास देखो लंबा चौड़ा लिस्ट है, 2-2 पेज में भरा हुआ है, तो मैम आपको ज्यादा समय लेंगी, इसीलिए पहले हम रीजनिंग को निपटा रहे हैं और उसके बाद मैम को पूरा बोर्ड ओवर कर देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे बच्चे जो है वो 50K की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए जो क्वेश्चन आया है रीजनिंग में, वो मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन 5 से 7 क्वेश्चन आया है, जो कि आपको पढ़ाया हुआ था। इसके बाद की बात करें, अजम्पशन से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कबूतर, ठीक है, कबूतर, और पूछा गया है कि इसके बाद दिया गया है कि तोता, ठीक है, पैरोट जिसको आप कहते हो, और साथ में दिया गया है पक्षी, इसका वेन डायग्राम देखो कितना बेहद आसान है। ये आप देख रहे हैं बर्ड, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं पिजन, और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं पैरोट। तो यहां पर इसका एक वेन डायग्राम आया था, इतना आसान आपको दिया गया है क्वेश्चन, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मिरर इमेज के क्वेश्चन आए, मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया है और वो भी बेहद आसान पूछा गया है, मतलब आप सोच नहीं सकते। इसके बाद जो है कैलेंडर से क्वेश्चन आया, कैलेंडर से जो क्वेश्चन आया वो मैं बता रहा हूं आपको, कैलेंडर से जो क्वेश्चन आया डियर फ्रेंड्स, वो आया है 21 जनवरी 1988। बस 2 से 5 मिनट के बाद जो है मैम आपके पास चलेंगी और 50,000 होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए, 50,000, और शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी 50,000 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। 200 बचे हैं बच्चे। देखो 21 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था, यह पूछा गया है, और यह बेहद आसान प्रश्न है, और इतना इजी प्रश्न आप बनाए होंगे, तो देखिए कैसे, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, ठीक है, और प्लस लीप ईयर, तो इसमें 21 लीप ईयर ही होगा क्योंकि ये अभी जनवरी में ही है, और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पर अगर हम देखें तो 8 1 9 1 10, बाकी बच गया 1 2 1 3, और 8 1 11 और 2 13, 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 1 7, और यहां पर 130 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और 7 8 56, तो रिमेनिंग जो हमारे पास बच गया डियर फ्रेंड्स वो 4 बच गया, और 4 का मतलब थर्सडे होता है, और यहां पर 50,000 से 100 बच्चे कम है, जल्दी से जल्दी ले आइए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अभी के अभी शेयर करेंगे 50,000 तो यूं हो जाएगा, हमारे करोड़ों बच्चे देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो 130 को 7 से डिवाइड किया तो 4 थर्सडे था, वो एक क्वेश्चन यहां से आया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तुरंत मैम आपके पास आ रही हैं, सिप्रा मैम क्वेश्चन लेके, बहुत सारा क्वेश्चन है। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया था, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ था कि 13 19 21 38, ठीक है,
37, इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया। आप देखिए यहां पर ये है प्राइम, ये है आपका क्या कौन सा प्राइम, ये भी आपका है प्राइम, ये जो है कंपोजिट नंबर है। इसी वजह से आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स किसके साथ चला जाएगा, 21 के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये जो है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है एनालॉजी से है, नंबर सीरीज से है, अल्फाबेट सीरीज से है, सिलॉक से क्वेश्चन आया है। सिलॉक से इस प्रकार के क्वेश्चन आया है जैसे कि कुछ ए जो है अगर बी है और सारा बी जो है वो अगर सी है, कंक्लूजन यहां पर दिया जा रहा है कि सम ए सी, सम ए सी, तो ध्यान दीजिए कुछ ए बी है सारा बी सी है, तो आप क्या देख रहे हैं सम ए सी जब बोला गया तो ये जो है सही हो गया, और दूसरा बोला गया था नो ए सी, तो आप क्या देख रहे हैं ए और सी में तो संबंध है तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, बेहद आसान प्रश्न। अब हम चलते हैं मैम के पास, फिर हम रीजनिंग के साथ दोबारा जुड़ेंगे और जैसे ही हमारा 50,000 होता है एक बार क्लैपिंग करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। तो चलते हैं मैम के पास और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मैम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। और यहाँ पे हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं, क्योंकि जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो याद रह पाते हैं हम लोगों को, रीजनिंग और मैथ से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की पूरी एक लिस्ट है, और साथ में पहले आप इसको साथ में शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस चीज़ को देख सकें। और इससे भी बड़ी बात ये कि प्राउडली हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि जैसा आपको, जो लोग सिर्फ 11 या 12 दिन से, मात्र जब से ग्रुप डी की हमारी बैच शुरू हुई है ना, ग्रुप डी का हमने स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया है, तब से भी जिन लोगों ने फॉलो किया होगा ना, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना वो इस चीज़ का यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एंड में ज़रा देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्लीट इस चीज़ को। तो अगर हम जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन किसे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो अंग है, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा है आपको बताना था। तो मेरे ख्याल सबको यहाँ पे रटा होगा जो ये क्लास यहाँ पे देख रहे हैं शुरू से, लिवर जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिवर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो साथ में इसको यहाँ पे आप शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाते जाइए यहाँ पे, ताकि आगे आने वाले बच्चे जो है ना, जिनके आगे एग्जाम्स हैं, उनको इसका पूरा भर के फायदा मिले और आप लोग जो देख रहे हो उनको भी फायदा मिले यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर का फंक्शन आपको पूछा हुआ है कि ट्रांसफार्मर हमारे जो होते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई और ऊंचाई जो है उसको करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वैसे फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करते हैं, ऊंचाई और ऊंचाई का यहाँ पे काम करते हैं। लाइट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रकाश जो हमारा चैप्टर है उससे, उत्तल दर्पण से आपको प्रश्न आया है कि उत्तल दर्पण जो है वो किस चीज में यहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारा, तो ये आपको बताना है। दूसरा है यहाँ पे मिथेन, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को करने लग रहे होंगे। और यहाँ पे बाकी देखिए एक चीज और, जिन लोगों को ये लगे कि फास्ट हो रहा है सेशन, तो उनको एक चीज बता देते हैं कि आज के दिन में आखिरी, बिल्कुल आखिरी एनालिसिस के बाद भी हम ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके साथ रिपीट करेंगे, चाहे आप पे जनरल अवेयरनेस हो या फिर जनरल साइंस ही क्यों ना हो। यहाँ पे हम लोग जबरदस्त, देखिए बहुत देर से ये हमारा इंतजार था और आप फाइनली आ गए और 50,000 आपने कर दिया, तो क्या बात है मैम, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत सही, थैंक यू सो मच गाइस इस पूरे क्रैश कोर्स को फॉलो करने के लिए, यहाँ पे हम पे भरोसा। भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, जरूर भेजिएगा उठा के कि हम 50,000 जब हुआ उस समय थे, आप 50,000 का जरूर स्क्रीनशॉट उठा के हमें भेज दीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा दिन है हमारा। और सर एक चीज, ये यहाँ पे ना अगर ये 50,000 हो रहे हैं तो सीधी सीधी ये चीज दिखाई दे रही है कि आप लोग हम लोगों पे कितना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और हम और सिर्फ आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं हम जनरल साइंस के, और जो लोग रेगुलरली सेशन को फॉलो कर रहे थे ना, वो लोग खुद यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोग को कराया ना गया हो। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी फीलिंग लेके आ रही है ये चीज कि 11-12 दिन में ही जो चीजें कराई थी ना वही यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आई है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं मोस्टली बच्चे।
मैम को रोकना चाहेंगे एक मिनट, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप देख रहे हैं, 51,000 प्लस लाइव है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके प्लीज फेसबुक पर डीपी बनाएं, इंस्टा पर डीपी बनाएं, आप अपने व्हाट्सएप पर डीपी बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अभी के अभी ये काम मत करिएगा, आप ये रख लीजिए करके बाद में आप शेयर कर लेना, और ये विनती है हमारा आपसे। चलिए मैम, ये यूट्यूब की आई गेस हिस्ट्री होगी यहाँ पे, लाइव किसी भी एजुकेशन के लिए ना लाइव 50,000 से ज्यादा आना, तो ये चीज दिखा रही है कि आप लोग कितना डेडिकेटेड और हम लोग आपके लिए कितना यहाँ पे लेके आ रहे हैं चीजों को। तो थैंक यू सो मच गाइज। वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ही देखते हैं। लाइट जो है वो आपके उत्तल दर्पण से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारा ब्रेन या मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, तो ये मस्तिष्क जो है वो हमारा किसी किस सेल से बना हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम हम जो बोलते हैं, और उसमें जो सेल होता है, तंत्रिका जो सेल होता है, तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारी होती हैं, उससे हमारा ब्रेन जो है वो बना रहता है। अगला यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का, और जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पे साथ साथ आंसर भी करिए ताकि आपको पता लगे कि चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आपको केमिकल फॉर्मूला पूछा है क्या होता है, तो CO हम इसको बोलते हैं, मोनोऑक्साइड लिखा है, सिंगल है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। देखिए सिंपल क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन सिंपल नहीं आ सकता है, और क्लास में भी आप कई बच्चों को इस चीज का डाउट था कि लेवल बहुत ज्यादा जाएगा, आप गलत बोल रहे हो, ALP से ज्यादा जाएगा, और ये बात लगातार बार बार बोली थी कि ALP से तो ज्यादा लेवल बिल्कुल ही नहीं जाएगा। बस ये था कि आपका लेवल खुद का पढ़ पढ़ के ना ये चारों सेक्शन इतना ऊपर आ चुका है कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत आसान लगते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पे आपको परमाणु संख्या और एटॉमिक नंबर पूछी है, तो 7 जो है वो हमारी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या रहती है। पीएच वैल्यू, लगातार आपको ये चीज पता है कि पीएच वैल्यू तो पूछी जाएगी, और आज के एग्जाम से अलग अलग दो क्वेश्चन आए हैं, पीएच वैल्यू दो चीजों की पूछी हुई है। एक तो पीएच वैल्यू पूछी है आपको ब्लड की, रक्त की, और उसके अलावा आपकी फेवरेट चीज की पूछी है, वाइन की आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी है पीएच की। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला है। न्यूलैंड का जो लॉ है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूटन का तीसरा लॉ से एग्जांपल था, और बताना था यहाँ पे कि न्यूटन का जो तीसरा लॉ है उसके लिए। डियर एक मिनट, बफरिंग हुई होगी बीच में, हो सकता है एक बार बफरिंग हुआ होगा 30 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए, एक बार आप रिफ्रेश कर लेना, आप रिफ्रेश कर लोगे ठीक हो जाएगा। एक अभी 10 सेकंड के लिए बफरिंग हुई थी, आप उसको रिफ्रेश कर लेना एक बार और वो ठीक हो जाएगा। चलिए ओके कंटिन्यू करते हैं। ओके राइट, यहाँ पे NaCl का पीएच भी पूछा है। दो पीएच तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 7 जो है वो आपको पूछा है 7.4 ब्लड के लिए, और वाइन के लिए पूछा हुआ था कि वाइन जो है उसका पीएच कितना होता है। तीसरा पीएच जो है वो आपको NaCl का पूछा है, और ये क्वेश्चन ALP में भी आया था कि NaCl जो है उसका पीएच कितना होता है। तो यहीं पे पहले देख लेते हैं, NaCl जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, और Na+Cl का जो Cl- का जो हमारा पीएच है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि 7 होता है। उसके अलावा लिखा हुआ था कि NaCl का आपको केमिकल फॉर्मूला अलग से क्वेश्चन आया है कि केमिकल सूत्र जो है वो NaCl का बताना था। तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा NaCl का यहाँ पे केमिकल नाम है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो हाइड्रोमीटर आपको पूछा है कि किसको नापने के लिए, या यंत्र जो हाइड्रोमीटर होता है वो किसको नापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव घनत्व जो हम बोलते हैं, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, उसको नापने के लिए हाइड्रोमीटर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन आपका अभी संडे को, आपकी सैटरडे को जो क्वेश्चन आए थे उससे पहले, ये जो 50 हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे उसमें आपको इंक्लूड किया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो आपको पूछी थी, किस रसायन के स्राव से हुई थी, किस रसायन के निकलने से हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो इसका यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पेपर में वहां पे, तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो आपका
करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे हल्की गैस पूछा है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सी होती है, तो हीलियम जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वापस मैं आपको बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन को शाम के सेशन में ना हम दोबारा लेके आएंगे, तो अभी जिनका पेपर आगे आने वाली शिफ्ट में है ना, वो सिर्फ इन क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले, उनके आंसर सुन ले, ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। जिनका कल या आगे पेपर है उनको तो हम शाम को सेशन पूरा लेके आने ही वाले हैं। तो ये क्या हो गया आपका, हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस है आपकी यहाँ पे। उसके अलावा देखिए आपको प्रेशर जो है, हमारा दाब जो होती है उसकी आपको एसआई यूनिट पूछी है, तो पास्कल जो है वो उसकी हमारी एसआई यूनिट होती है। आपको केमिस्ट्री में मास नंबर पूछे थे, और ये आपको मैंने लिस्ट भी बना के दी थी कि जब हम आपको परमाणु द्रव्यमान पूछे जाएंगे तो तकरीबन शुरू के जो 15 होते हैं ना उनके परमाणु द्रव्यमान पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है तो उसका परमाणु द्रव्यमान जो है ना वो 40 हो जाता है, तो उसके आसपास आपको पूछे जाएंगे। तो आज केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको परमाणु द्रव्यमान एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए आया था कि जो जाइगोट होता है, युग्मक जिसे हम बोलते हैं, ये कहां पे जाके ये बनता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है के आधार पे है तो आपको वहां पे फेलोपियन ट्यूब जो है वो एक क्वेश्चन दिया होगा ऑप्शन में, तो फेलोपियन ट्यूब जो है ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके अलावा अगर इम्प्लांटेशन इसकी कहाँ होती है, तो जाइगोट जो है, क्योंकि बच्चे देखिए क्वेश्चन ही याद कर पाते हैं, ऑप्शन सारे याद कर नहीं पाते हैं, तो उसके आधार पे हमारा ये आपका आंसर रहेगा। अगला देखिए आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में जो हृदय होता है वो कहाँ पे रखा रहता है, किस जगह पे ये मानव हृदय जो है वो रखा होता है। तो याद रखना है आपको हमारे शरीर के लेफ्ट साइड का जो हमारा ये लंग है, लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है उसके साथ में जो हार्ट है वो रखा रहता है, तो उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको है कि H2SO4 जो है ये है आपका रासायनिक सूत्र, ठीक है, और इस रासायनिक सूत्र का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और क्योंकि ये एसिड है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आया है कि किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, एसिड अम्ल का राजा किसे बोला जाता है, तो अम्ल का राजा अगर हम बोलते हैं तो H2SO4 जो है वो हमारा अम्ल का राजा होता है, और इसकी पीएच आपको याद रखनी है 1.25 से भी कम होती है। पीएच जब हम बात करते हैं स्केल कहां से शुरू होता है आपका, 0 से लेके 14 तक जाता है हमारा पीएच स्केल, तो ये H2SO4 अकेला ऐसा एसिड है जिसकी पीएच जो है वो 1.25 से कम जाती है, एक्वारीजिया को छोड़ के, ठीक है, एक्वारीजिया को छोड़ के। उसके अलावा यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर पूछा है, सल्फर का एटॉमिक जो परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो सल्फर की अगर हम बात करेंगे तो पोटेशियम के बाद आपका ये फॉस्फोरस के बाद सल्फर आता है, फॉस्फोरस सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर की जो एटॉमिक नंबर है वो 16 रहेगी आपकी। मेढक की फैमिली पूछी है, देखो मैं आपको फैमिली याद करनी है तो मेढक की कौन सी फैमिली है पूछी है, और फैमिली के अलावा आपको यहाँ पे फाइलम्स और ये सारी चीजें याद रखनी है। मेढक जो है वो एम्फीवियन है, और क्लास जो हमारी वर्टिब्रेटा जो हमारा फाइलम है, संघ जो है वर्टिब्रेटा उसके क्लास एम्फीवियन को बिलोंग करता है, ठीक है, एम्फीवियन जो है उसको बिलोंग करता है हमारा मेढक। उसके अलावा आपको हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछा है, तो ये आपको कराया है, हैवी वाटर भारी जल जिसको हम बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से बनता है जिसको हम ड्यूट्रियम बोलते हैं, और इस आइसोटोप का फॉर्मूला क्या होता है, 1H2, तो ये D2O जो है वो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे हैवी वाटर जो है वो इसका यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है। देखिए इस वाले पूरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो चीज़ें हैं वो एक यहाँ पे फैल सकें और बाकी लोगों को पता लगे, क्योंकि ये पेपर आपका बहुत लंबा जाने वाला है। और साथ में जो भी लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 50+ आप लोग लाइव हो, ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक भी करिए ताकि थोड़ा सा चीज़ें आइडिया लगे हमको कि कितने लोग जो है ना वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो 50
प्लस जो लोग हैं वो यहाँ पे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जो लोग कई बार ऐसा होता है कि कई नए लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब भी करिए साथ में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे हुए हैं आज, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और आपको ब्लड ग्रुप का डिस्कवरर के लिए पूछा है कि रक्त समूह जो है उनको किसने डिस्कवर किया था। तो मेरे ख्याल यहाँ सब लोगों को पता होगा जिन्होंने ये क्लासेस अटेंड करे हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप जो है, रक्त समूह जो है, उनको डिस्कवर किया था, और इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबल प्राइज भी मिला था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल पूछे जा रहे हैं। HNO3 का आपको पूछा है कि HNO3 का आपको पूरा का पूरा जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। तो ये वाला सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया था जब हमने केमिस्ट्री की क्लास की, तो 63 आपको वहाँ ऑप्शन में मेंशन किया रहा होगा, 63 जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लक्स की यूनिट पूछी है, ठीक है, लक्स जो है उसकी यूनिट पूछी है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी वहाँ ऑप्शन होगा, लेकिन वो नहीं टिक करना था, उसकी कैंडेला होती है, आपको ल्यूमिनस एमिटेंस वहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी ऑप्शन में, ल्यूमिनस एमिटेंस, ज्योति एमिटेंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, जिन लोगों का आगे भी पेपर है उनको भी क्लियर कर दें, किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। जो सिलेबस कराया है, जो क्वेश्चन आपको क्लासेस में चारों सब्जेक्ट में कराए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सिर्फ आप बस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ये बिल्कुल ट्रस्ट रखिए कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। देखिए, कोई भी पेपर जो है ना, आपको 100% तो नहीं मेरिट में लाने के लिए बोल रहा कि आपको 100% पेपर करके आना है, 60% 70% पे आप मेरिट में हो और आपकी क्वालिफाई होगा, तो उससे ज्यादा ही चीजें आपको यहाँ पे कराई जाती हैं, पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। तो आप सब्सक्राइब करिए इसको, ज्यादा से ज्यादा भर के एकदम लाइक करिए, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसी ही अपडेट के लिए और सारी चीजों के लिए हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे सब्जेक्ट्स के लिए वापस। चलिए, रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जयपुर चलेंगे। फिर सर जो है, साहिल सर मैथ्स के लिए, वो चूंकि सेंटर पे गए हैं इसलिए वो इसमें नहीं आ पाए, तो वो सेंटर से लाइव होंगे अभी आपके साथ जब हम लोग जयपुर चलेंगे। तो मान लीजिए 11:29 हुआ है, 11:31-32 तक हम लोग फिर से जयपुर चलेंगे और मैम के पास, वहां पे जो है मैम फिर कनेक्ट करेंगी। क्योंकि देखो, हमारे पास जो बच्चे जुड़े और जो बच्चे आए, आपको एक बात हम बता दें, बाद में बच्चे बोलने लगते हैं कि सर ऐसा नहीं आया वैसा नहीं आया, पूरे भारत से बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजा है, मैम के सामने टैप पड़ा हुआ है, देखिए मैम उठा के दिखा देंगी, और हमारा ग्रुप है और इसमें ये क्वेश्चन आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये भरोसा रखें कि हम जो आपको दे रहे हैं ऑथेंटिक दे रहे हैं, सबसे पहला काम ये जरूर करना डियर। और आपसे विनती है कि आज ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको स्क्रीनशॉट उठाएं और अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने अपने फेसबुक पर शेयर करें, अपने अपने मतलब इंस्टा पे शेयर करें, जहां भी शेयर हो वाईफाई स्टडी का ही मतलब नाम हो हर तरफ। और आपके वजह से आज हमारा परिवार जो है 4,40,000 की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो आप जरूर ये काम करें। अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं हम, जो कि क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक पूछा गया है कि इसमें अलग बताओ तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। ठीक है, छोड़ दीजिए मैम, कोई बात नहीं, तबला, तानपुरा, सरोद और सितार। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये जो है सारा तार से संबंधित है, लेकिन तबला जो है तार से संबंधित नहीं होता है, इसी वजह से आपका आंसर तबला के साथ चला जाएगा। इसके अलावा दिया गया है, ठीक है, ठीक है सर, ओके कर दो। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा कि चलिए डियर, अभी बीच में चला गया था, बफरिंग हो गई थी, अभी हम लोग चलेंगे वहां पे मतलब जयपुर अब, क्योंकि यहां पर दिक्कत आ रही है। सर ओके, यहां पे सब कुछ अब करें क्लास क्या? तो यहां पर अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पर दिया जा रहा है अगला जो प्रश्न है कि शब्दों के तार्किक क्रम, तो शब्दों के तार्किक क्रम को देख लेते हैं। तो शब्दों के तार्किक क्रम, यहां पर उसे एक क्वेश्चन आया है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है यहां पर, पकाना, परोसना, खाना, पकाना, परोसना, खाना, ठीक है, और इसके अलावा है
कि काटना, तो अगर हम देखें तो इसका जो शब्दों का तार्किक क्रम बोला गया है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, और उसके बाद आप क्या करते हैं, पकाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, परोसते हैं, और उसके बाद जो आप खाते हैं, बात समझिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर पहले क्या हुआ, काटे, फिर पकाए, फिर परोसे, और उसके बाद जो है क्या किए, खाए। तो यहां पर खाए है एक्चुअली, ये खाना, ये खाना फूड मत समझना, ईटिंग वाला खाना है, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका शाब्दिक सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, पहले काटना है, फिर पकाना है, उसके बाद परोसना है, उसके बाद खाना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था डियर फ्रेंड्स, ओके। इसके अलावा जो है, जो क्वेश्चन आया है यहां पर, आपको एक बता दें, एनालॉजी से जो संबंधित क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर, हाँ, दो नौ से संबंधित है तो तीन किससे होगा, ठीक है। दो अगर नौ से संबंधित है तो तीन किससे होगा, ध्यान देना, दो अगर नौ से संबंधित है तो बोला जा रहा है तीन किससे होगा। ऑप्शन था यहां पर 27, 28, 29 और 30। ध्यान देने वाली बात है यहां पर कि दो का क्यूब होता है 8 और प्लस एक, ये किसके बराबर चला गया, 9 के बराबर। सेम टू सेम अगर हम देखें तो 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस एक अगर कर दें तो ये 28 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, किसके साथ चला जा रहा है, 28 के साथ चला जा रहा है, बात समझिएगा, है ना। यहां पर जो है 55,000 लोग दोबारा आ गए, हमारे पर ट्रस्ट बनाए हुए हैं, और ये बहुत ही मतलब हम आपके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि आपका जो प्यार है ये मुझे लगता है कि और आगे बढ़े। इतनी लंबी वीडियो चल रही है, 10:15 से शुरू हुआ, 11:30 होने वाला है, और हम आपके साथ जुड़े हुए, और ये लग रहा है कि और पढ़ाते चले जाएं। तो भरोसा बस इसी तरह रखिए, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा आपको हर चीज में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आगे देखें, ये क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने, तो इसका आंसर 28 हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन सीरीज से आया है, है ना, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आया है वो सीरीज से आया है, तो उसको हम दिखा दें आपको। सीरीज से जो क्वेश्चन आया डियर फ्रेंड्स, वो कहां गया, है ना, पूछा इस प्रकार से गया, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन जो है वो आपको बता देते हैं। चलिए, अल्फाबेट सीरीज से कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था, जैसे यहां पर मान के चलिए एम दिया हुआ है, है ना, फिर ओ दे दिया गया है, फिर क्यू दे दिया गया है, फिर एस दे दिया गया है, अगला क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एन है, एन एम एन ओ, ओ पी क्यू, क्यू आर एस, तो एस के बाद टी छोड़ के क्या हो जाएगा, यू। तो आपका जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, किसके साथ चला जाएगा, यू के साथ चला जाएगा, बात समझिएगा। एम के बाद एन है, फिर ओ है, ओ के बाद पी है, फिर क्यू है, क्यू के बाद आर छोड़ के एस है, एस के बाद टी छोड़ के फिर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ही अल्फाबेट सीरीज आया हुआ था, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो बच्चों को याद नहीं रहता है कि जैसे आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन है जीके की तरह, लेकिन उन्होंने लगभग क्वेश्चन भेजा है, तो उस प्रकार से हम करवा रहे हैं, ठीक है डियर। तो ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और आए हैं, और मैम के पास भी शायद 2-3 क्वेश्चन है जो मैम लिख रही है, और बताएंगी क्या मैम, चलिए तो 2-3 क्वेश्चन मैम बता रही हैं तब तक आपको। देखिए यहाँ पे एक बार लास्ट बस आप देख लीजिए, यहाँ पे जीके का, उसके बाद हम आपका मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस 5 क्वेश्चंस और यहाँ पे जो भी आए हैं और इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है। देखिए, कलर ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारा मानव शरीर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, तो ये हीमोग्लोबिन का रंग जो है वो किसकी वजह से, या रक्त का जो रंग है वो किसकी वजह से लाल होता है, तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर तो आपका हीमोग्लोबिन रहेगा। लेकिन अगर ये आया है कि किसकी हीमोग्लोबिन में भी किसकी वजह से, तो आयरन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, Fe जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद रहता है। हु डिस्कवर सेल, आपको पूछा है कि कोशिका जो है उसको किसने खोजा था, तो किसने डिस्कवर किया था यहाँ पे, तो रॉबर्ट हुक, आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा ये खोजा गया था। अगला देखिए, खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, इसीलिए बोलते हैं खट्टे फ्रूट को, क्योंकि उसके अंदर सिट्रस फ्रूट या फिर सिट्रस अम्ल जो है वो पाया जाता है। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछा है उनके मास में, तो आपको पता है कि पानी जो होता है उसका हमारा रासायनिक जो सूत्र है वो क्या होता है, H2O यहाँ पे रहता है, तो H2O के अंदर H और O का रेशियो क्या रहेगा, 1:1:8 जो है वो हमारा इसका रेशियो रहेगा। और यूनिट ऑफ चार्ज आपको पूछी हुई है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे हुए हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। तो अब यहाँ पे चलिए, तो आपने यहां पर देखा हम लोगों ने आपको पूरी तरह से साथ दिया, अब हम लोग चलते हैं जयपुर, और जयपुर से जो है फिर कनेक्ट होंगे, और वहां से आपको करवाया जाएगा, मतलब जो साहिल सर लाइव गए हैं वहां पर सेंटर पर, उसकी वीडियो दिखाई जाएगी। अच्छा, भुवनेश सर पहले कनेक्ट होंगे और उसके बाद फिर साहिल सर कनेक्ट होंगे, ठीक है डिया। तो चलते हैं जयपुर और उसके बाद देखते हैं कि वहां के जो सर हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बातों के साथ। तो मूव टू जयपुर, स्विच टू जयपुर। हाँ
हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आपने जो जनरल साइंस और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि हितेश सर और शिप्रा मैम ने बताए, आपने काफी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अभी देखिए बच्चों, कई और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने भेजे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि इंडिया के बहुत जगह पे पेपर हो रहा है, बहुत जगह पे जितने भी अपने सेंटर्स हैं वहाँ पे अलग जो पेपर आ रहा है, जितने भी अपने एरिया है जो इलाहाबाद का अलग है, वहाँ का अहमदाबाद का अलग है, तो रीजन वाइज जो पेपर है वो अलग पेपर है, हर जगह पे क्वेश्चन अलग है। तो बच्चे पूरे देश से क्वेश्चन भेज रहे हैं आपके लिए, और पूरे देश से क्वेश्चन भेज रहे हैं, और आपको पूरा संभव हो कि अगर एक वीडियो में मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितना हो सके शेयर कर दो यार बच्चे, ठीक है, जितना हो सके, जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतना फायदा होगा अपने व्हाट्सएप के अंदर, एफबी पे, जितना जहां हो सके शेयर कर दो ताकि ज्यादा बच्चे जुड़ सके। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने भेजे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे सिंपल से क्वेश्चन देखिए, एक तो आया जेएनके के गवर्नर का, मैंने आपको बताया था नए गवर्नर टिक करने हैं, आपको मैंने बताया था नए गवर्नर ही करने हैं, जो अभी कौन बनाए गए, सत्यपाल मलिक, यानी कि बिहार के गवर्नर भी पूछा गया और बिहार से ये बने जेएनके गवर्नर, तो ये वाला सवाल भी पूछा गया है। तो सत्यपाल मलिक की बात करें तो अभी ये वहां पे नए अभी गवर्नर बनाए गए, इसको लेके मैंने अलग से वीडियो भी बना के दिया था आपको, ओके। तो जितना हो सके शेयर कर लो दोस्तों, कुछ देर के अंदर ही साहिल सर भी आपसे जुड़ने वाले हैं। साहिल सर आपसे जुड़ के आपके लिए ओरिजिनल जो लाइव जो वीडियो है जो कि वहां का एग्जाम सेंटर में कैसा माहौल है, बच्चों ने कितने अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन उनको लग रहा है कि सही होंगे गलत होंगे, क्या एक्चुअली में वहां पे पूरा का पूरा पेपर कैसा हुआ है, टफ है इजी है, वो पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो बने रहिए, शेयर कर दो जितना हो सके ताकि बच्चे जुड़ सके, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का एक सवाल पूछा गया है, कितना सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का सवाल पूछा गया तो आपको मालूम है कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा वहां की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। कई बच्चों लगता है सिडनी मेलबर्न है लेकिन वो नहीं है, कैनबेरा वहां की राजधानी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल आया कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से कौन सी ससंद जो है वो बड़ा है, तो आपको मालूम है यार 552 सीटें कहां पर है, लोकसभा के अंदर है, समझ गए। तो एक 552 यानी कि लोकसभा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक सवाल आया कि अगला एशियन गेम्स कहां पे होने वाला है, ठीक है, अगला एशियन गेम्स कहां पे होने वाला है, एक सवाल आया, तो चाइना के अंदर होने वाला है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। एशियन गेम्स के अंदर मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ओके। तो जितना हो सके, और थोड़ी देर के अंदर आपके लिए रियल वीडियो आ रहा है दोस्तों एग्जाम सेंटर से, कैसे बच्चों का एग्जाम हुआ है, कितने उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, वो सारी डिटेल्स अपन थोड़ी देर में वो एक्चुअल वीडियो देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा जरूर से, ओके। एक बेंगलुरु की कंपनी के बारे में पूछा है, बेंगलुरु की एक कंपनी है, ओके, करेंसी है, ओके, एक करेंसी के बारे में पूछा गया है, एक करेंसी है कहां की है, ओके, ये करेंसी शायद मेरे ख्याल से कई देश है उसकी करेंसी भी पूछी गई है। इसके अलावा राजस्थान के पूछा गया एक सवाल, ठीक है, एक राजस्थान का सवाल पूछा गया है, एक पूछा गया है हौसला से लेकर, हौसला 2017 जो है ना, ये प्रोग्राम कैंपेन जो है ये सेलिब्रेशन किसके लिए किया गया है, तो अगर मैं हौसला की बात करूं, हौसला की बात करूं तो हौसला जो है ये बच्चों के लिए चलाया गया था, जो चिल्ड्रन के जो राइट होते हैं ना उसके लिए ये पूरा का पूरा सप्ताह था सेलिब्रेशन जो कि किया गया था, हौसला प्रोग्राम। एक राज्यसभा के उपराष्ट्रपति उपसभापति के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो राज्यसभा के, ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं वो तो अपने कौन होते हैं, जो अपने उपराष्ट्रपति होते हैं, ओके, तो उपराष्ट्रपति मेरे ख्याल से इंडिया का और राज्यसभा का चेयरमैन ये पूछा गया होगा, जो कि वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू जो है, ओके, वो है अभी। तो एक सवाल ये आपका सिंपल सा है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन और जो कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, तो ये वाला सवाल होगा जो कि अपने आपको मालूम है। ये एक सवाल पूछा गया आपके ऑस्कर को लेके, तो मैंने आपको बताई दिया ऑस्कर कौन सी सिटी, कौन से कंट्री में मिलता है, तो ये यूएसए हो गया। एक हो गया कि रोबोट से ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला भारत की पहली सिटी कौन सी है, रोबोट को ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली पहली भारत की सिटी कौन सी है, तो ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया है, मतलब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है जो कि आज पेपर में आया है, ये क्वेश्चन अपन ने नहीं किया, ना ही मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया, ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो रोबोट से ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली जो सिटी की बात करें तो ये इंदौर सिटी है, ठीक है, इंदौर सिटी के अंदर रोबोट से ट्रैफिक को कंट्रोल करा जा रहा है। एक सवाल आया निर्मला सीतारमन का, निर्मला सीतारमन जो है आपको मालूम है अपनी डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये राज्यसभा की सांसद कहां से है, तो कर्नाटका से है, मतलब ये बिलोंग कर्नाटका से, राज्यसभा की एमपी है अपने, ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक सवाल यह है, एक सवाल बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको इनोवेशन एंड डिस्कवरी डेली पढ़ाता हूं सुबह 8 बजे करंट अफेयर के अंदर,
कुछ एक तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, दो तीन दिन के पहले, कि टीवी के इन्वेंशन को लेकर, टीवी का इन्वेंशन वाला आपको पढ़ाया था मैंने। अब मैंने आपको तीन नाम होते हैं जो कि टीवी के इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं, समझ गए। एक तो फ्लिपो करके पर्सन है और एक है बर्ड। तो ये जो मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बोला था कि पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम ध्यान रखना है, यही पेपर में आता है ऑप्शन के अंदर हमेशा। तो यहाँ पे बर्ड ही आया है और एक चार्ल्स करके एक और है, तीन लोग हैं जो कि इसके इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पेपर में बर्ड वाला ऑप्शन हमेशा ज्यादा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर का सवाल आपको बताया गया, निर्मला सीतारमन। एक सैफ की फुल फॉर्म पूछी गई है, यार देखो सैफ तो अभी क्या होते हैं, गेम्स होते हैं, ठीक है। सैफ अपने जो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और अपने जो साउथ ईस्ट एशियन है, तो सैफ के फुटबॉल चैंपियनशिप हुई है, कल ही अभी हराया है मालदीव ने भारत को, हरा के इस टूर्नामेंट को जीता है। तो सैफ की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है, तो ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। और कल ही अभी फाइनल मैच हुआ है फुटबॉल का, जिसमें मालदीव ने भारत को हराया, 2-1 से हराया अगेंस्ट, ठीक है। तो वो टूर्नामेंट उसने जीत लिया है। तो एक ये सवाल आया, बिल्कुल सही है, काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। और थोड़ी देर में दोस्तों आपके लिए लाइव वीडियो आने वाला है एग्जाम सेंटर से, तो बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पेपर आया है, ठीक है। इजी आया है, मुश्किल आया है, हार्ड क्या इजी आया है, कैसा पेपर आया है, ये भी आपसे पूछा है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड कौन देता है, ये तो मैंने आपको बताई दिया, यूएसए, यूके, कौन सा कंट्री है, तो यूएसए के अंदर होता है। तो ओके, सिंपल सा सवाल है। एक सवाल यह है, लॉस एंजलिस के अंदर होता है, लास वेगास या लॉस एंजलिस में से, दोनों में से एक जगह होता है ऑस्कर अवार्ड। एक सवाल आया आपके लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। ये सवाल मैंने आपको करंट अफेयर में, जो मैंने आपको दिया ना जनवरी से जुलाई वाला करंट अफेयर, उसमें मैंने आपको बताया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया है, उसमें भारत की रैंकिंग के बारे में पूछा है, इंडेक्स सवाल है। और भारत को मैंने आपको बताया था कि भारत की रैंकिंग 100 नंबर पे पहुंच गई है, तो भारत के अंदर बिजनेस का माहौल अच्छा हो रहा है। तो 130 के आसपास हुआ करती थी पहले, और जम करके 100 नंबर पे पहुंच गई है, समझ गए। तो एक ये सवाल आपके पेपर के अंदर आया, बिल्कुल सही है। और एक बच्चे पूछ रहे हैं कितने सवाल आए हैं करंट अफेयर के, तो देखिए दोस्तों एक पेपर के सवाल नहीं है, ये बहुत सारे पेपर के करंट अफेयर के सवाल है। कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई कर्नाटका से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, बिहार से, तो बहुत जगहों से बच्चे अपने अपने रीजन के जो क्वेश्चन है वो भेज रहे हैं। तो आपको पूरे इंडिया के अंदर जो रेलवे का जो ग्रुप डी का पहला पेपर हुआ है, उसके पूरे इंडिया के जो रीजन है ना, वहां से करंट अफेयर आपको जानने को मिल रहे हैं। एक सीटीबीटी को लेकर एक सवाल आया, तो मैंने आपको डेली करंट अफेयर के अंदर पढ़ाया था, ठीक है, सीटीबीटी के बारे में, न्यूक्लियर जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो न्यूक्लियर को बैन करने के लिए सीटीबीटी है, जो कि पहले साइन करना पड़ता है, उसके बाद में एनएसजी की सदस्यता मिलती है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, ठीक है। तो भारत ने इसको साइन नहीं कर रखा था, इसलिए भारत अभी तक एनएसजी का मेंबर नहीं बना है, बिल्कुल ओके। तो ये सारे कुछ एक क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूजीलैंड को लेकर भी एक सवाल आया है, और कितने करंट अफेयर के सवाल है, देखिए नॉर्मली दोस्तों ऐसा है कि कोई भी रीजन का अगर आप पेपर दोगे तो 50% के आसपास, 30-50% करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये पूरे देश के क्वेश्चन है, समझिए पूरे देश के जितने भी रीजन के अंदर पेपर हुआ है, सभी के एक मिला के यहाँ पे करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, कई बच्चों ने भेजा है, SDI कौन जारी करता है। तो देखिए, एक मैंने कल ही आपको बताया है SDI के बारे में, यार कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको जुलाई से सितंबर तक के मैंने आपको बताया था कि भारत की रैंकिंग को लेकर, तो HDI जो है वो कौन जारी करता है, ये आपको बताना था। तो मैंने आपको पूरा SDI के बारे में बताया था कि भारत की रैंकिंग क्या है, 130 भारत की रैंकिंग है, इसमें पैरामीटर क्या है, तीन पैरामीटर होते हैं, एक तो आपकी लॉन्गेविटी यानी कि कितने आप जीते हो, एक आपके पर कैपिटा इनकम, और एक आपके होता है एजुकेशन, तीन पैरामीटर को लेकर SDI रैंकिंग बनाई जाती है। और इसको कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन के अंदर आया था, और ये मैंने आपको कल बताया भी था, समझ गए, एक क्वेश्चन यह है। इसके अलावा एक कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया दिया। एक क्वेश्चन आया कि युद्ध अभ्यास का, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको युद्ध अभ्यास का, जो संप्रीति है, संप्रीति युद्ध अभ्यास है मेरे ख्याल से, ठीक है, एक युद्ध अभ्यास का सवाल आया है, तो मैंने युद्ध अभ्यास का जो है वो वीडियो मैंने आपको पूरा का पूरा बना के दिया है, उस वीडियो को देख के जरूर जाना, उसमें से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो ये संप्रीति का है। एक नैसकॉम का सवाल आया है, नैसकॉम का भी मैंने आपको करंट अफेयर में बनाया था कि नैसकॉम का पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लेडी जो है वो इसकी चेयरमैन बनी है, नैसकॉम की हेड बनी है, ओके। तो एक ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिला है। एक पीएम ऑफ जापान तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, पीएम ऑफ जापान, जापान के पीएम कौन है, शिंसो एबे वहां के पीएम है,
तो ये सवाल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इंडिया और यूएसए, इंडिया और बांग्लादेश बोल रहे हैं बच्चे, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है उसके बारे में, तो वो तो सिंपल सी बात है, संप्रीति होगा, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो मैंने आपको अहमदाबाद बता ही दिया इसका आंसर, ठीक है। सोनम कपूर अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए, तो सोनम कपूर का अवार्ड मिला था निर्जा मूवी के लिए, एक ये सवाल आया है, ठीक है। और मैंने अलाउद्दीन वाला आपको बता ही दिया। लिटरेचर का अवार्ड, नोबल अवार्ड किसको मिला है, इशी गुरु, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, स्टार्टिंग के अंदर। नेशनल अवार्ड 2018 मूवी, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। लार्जेस्ट प्लेनेट की बात करें तो जुपिटर मैंने आपको बता दिया। एक सवाल यह आया है ब्रांड एम्बेसडर अमेरिकन टूरिस्टर का, एक सवाल ये भी आया है, ठीक है। अमेरिकन टूरिस्टर जो ब्रांड है, अमेरिकन टूरिस्टर, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी आपको बताना था, एक सवाल ये वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, काफी बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। निर्जा मूवी के लिए मिला था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बच्चों ने भेजे हैं, और भी कई सारे आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के ओनर कौन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने आपके लिए एक आईपीएल के जितने भी ओनर्स है ना उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, क्योंकि आपके रेलवे के एएलपी के एग्जाम के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो मुंबई इंडियन का भी एक सवाल आया, बच्चों ने बताया है अभी, तो मुंबई इंडियंस का मैंने आपको बताया था मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो कि इसकी सोल ओनर है, समझ गए। आज से एक महीने बाद जो पेपर आएगा उसमें ये भी पूछेंगे कि बताइए सचिन तेंदुलकर ने कौन सी फुटबॉल की टीम खरीदी थी जिससे अभी अभी एग्जिट किया है। तो आज के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था केरला ब्लास्टर से उन्होंने छोड़ दिया, उससे पहले कुछ टाइम पहले उन्होंने वो किया था, केरला ब्लास्टर 4-5 साल पहले खरीदी थी, है ना, बिल्कुल सही है। विराट कोहली का भी एक बच्चे बोल रहे हैं। नेशनल वोटर्स डे तो मैंने आपको बता दिया 25 जनवरी होता है, तो 25 जनवरी का आपका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन मत भेजो, जो मैं आपको बता चुका हूं वो मत भेजो, जो नए क्वेश्चन है वो भेजो यार, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बंदरगाह को लेकर, विशाखापट्टनम को लेकर सवाल आया है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। और थोड़ी देर के अंदर आपके लिए साहिल सर आने वाले हैं दोस्तों, साहिल सर आपके लिए जो एक्चुअल एग्जाम सेंटर का जो वीडियो है वो आपके लिए लेके आने वाले हैं, वहां पे बच्चों का रिएक्शन क्या था आज के पेपर होने को लेकर वो बताने वाले हैं वो, ठीक है ना, कि वहां पे बच्चों को पेपर टफ लगा है, सिंपल लगा है, हार्ड लगा है, कैसा पेपर लगा है, किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन टफ आए हैं या फिर इंग्लिश जो अपने जीके के क्वेश्चन टफ आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ये सारे वो बताने वाले हैं, बिल्कुल सही है। एम्बेसडर का वीडियो यार, एम्बेसडर का क्वेश्चन आया नहीं अभी तो एम्बेसडर का वीडियो मत मांगो यार, एम्बेसडर कौन से देश के, इंडिया के बने हुए, ये पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, तो वो वीडियो मत मांगो, वो पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विराट कोहली है अमेरिकन टूरिस्टर के, ठीक है, विराट कोहली है जो कि ब्रांड एम्बेसडर इसके बनाए गए, तो विराट कोहली भी आपको ध्यान रखना, विराट कोहली है, बिल्कुल सही है, काफी लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे। और त्रिपुरा के तो मैंने आपको बताई दिया, सीएम है, स्किन होती है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन का एक सवाल आया, बच्चे बोल रहे हैं, तो स्किन होती है लार्जेस्ट ऑर्गन, आपको मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काफी बच्चे रन मशीन किसको बोलते हैं, रन मशीन जो किताब आई थी वो मेरे ख्याल से रन मशीन क्रिस गेल की थी, सिक्सर सिक्स मशीन या रन मशीन ऐसे कोई किताब का नाम था जो कि क्रिस गेल की किताब आई थी, ठीक है ना, तो ये भी एक सवाल पूछा गया है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, काफी बच्चे ने यहाँ पे, थोड़ी देर में आने वाले हैं दोस्तों साहिल सर आपके लिए रियल उसका जो वीडियो है, ठीक है, जो आपके एग्जाम सेंटर का वो चलाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं। और बिल्कुल जापान वाला बता दिया मैंने यार, देखो जापान याद रखना है, बांग्लादेश के पीएम ध्यान रखनी है, शेख हसीना हो गई, इसके अलावा चाइना की तो आपको बताइए जो हेड है जिनपिंग वो ध्यान रखना है, इसके अलावा जो इंडिया में आए हैं ना भारत में मीटिंग के लिए वो देश के प्रधानमंत्री बड़े इंपॉर्टेंट है, और जहां जहां पे भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। मादुरो मैंने आपको बताया था वेनेजुएला के इलेक्शन हुए थे, वहां पे मार्च के अंदर मई के अंदर हुए थे 2018, तो वहां के राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, तो मादुरो है वो भी सवाल पूछा गया, बिल्कुल सही है। फीफा वर्ल्ड कप का मैंने आपको बताई दिया, फीफा वर्ल्ड कप का जो वुमेन होने वाला है 2019 के अंदर वो कहां पे होने वाला है, वो आपके फ्रांस के अंदर होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपके लिए थोड़ी चलाने वाले हैं, थोड़ी देर के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर एक्चुअल एग्जाम सेंटर पे, ठीक है, एक्चुअल एग्जाम सेंटर पे बच्चों का क्या वो रहा है, बिल्कुल सही। नेस्कॉम का आंसर दिया है एक सोमनाथ जी ने, देव जानी जी, देव जानी जी जो कि नेस्कॉम की पहली लेडी है जिनको हेड बनाया गया है,
ठीक है ना। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये वापस से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, यार एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल तो आपको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक क्वेश्चन नासा के बारे में आएगा, आई गेस नासा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बिल्कुल सही है, काफी बच्चों ने यहाँ पे रन मशीन, शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसेन बोल्ट है। तो देखिए सिक्स वाला तो था मशीन करके, तो वो एक क्रिस गेल की भी ऑटोबायोग्राफी थी, वो आई थी, और रन मशीन भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले उसेन बोल्ट की, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों साहिल सर के पास में, रियल एग्जाम का जो वहां पे किस तरीके से बच्चों का रिएक्शन रहा है वो जानते हैं। ओके चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खन्ना आपके सामने जुड़ चुका हूं, और ये कहा जाए दस सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी और 1,80,00,000 एप्लीकेंट्स के साथ में ग्रुप डी की 17 तारीख से जो पहली परीक्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसका पहला शिफ्ट समाप्त हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग और सेकंड शिफ्ट के लिए जा रहे हैं, और जिनका पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है बहुत ही शानदार जानदार होने की संभावना है, क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर है, जो लेवल है, जिस तरीके से तैयारी की है वो सब जानेंगे किसी एक स्टूडेंट से जो पेपर देके आया है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट प्लीज कम। हाँ जी बिल्कुल, आपका एग्जाम हो चुका है सर, तो पेपर कैसा रहा, क्या लेवल रहा पेपर का, जी बताइए मुझे। इजी लेवल था। तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिले, जीएसजी के कितना देखने को मिला आपको? 25 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिले हैं। और ओवरऑल आप कितने अटेम्प्ट करें सर, ओवरऑल आपने कितने अटेम्प्ट करें, कुल मिलाकर कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने? 73 अटेम्प्ट किए हैं, तो बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? हंसराज सिंह। तो हंसराज सिंह ने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जैसा कि पेपर का लेवल इजी बताया जा रहा है, ये अभी पेपर लेके आए हैं, और भी जानते हैं। चलिएगा सर, आइए आप बताइए कि पेपर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? राजेश कुमार। राजेश कुमार इनका नाम है, और राजेश ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा रहा है? पेपर का लेवल इजी है, और स्टडी पढ़ाया था वही आ रहा है। तो अच्छा, तो आप क्लास ली है आपने हमारी? रेगुलर क्लासेस ली है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, बहुत ज़्यादा फायदा। चलिए, और आपके साथ में ग्रुप में मतलब कितने लोग साथ में क्लासेस देखते थे उस टाइम, आपको पता होगा जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे? तकरीबन 40-45 के करीब बच्चे आपके गांव से देखते हैं? भाई लाइब्रेरी में रहते हैं, सभी देखते हैं, सब लाइब्रेरी में रहकर देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के आपने कितने अटेम्प्ट किए सर, ये बताइए हमें? 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। नाम सर आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गाइस, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट जो लाना था, जो उद्देश्य था, जिस चीज़ को एजुकेशन को फ्री लेवल पे लाने का, वो उद्देश्य लगभग पूरा होता दिख रहा है। तो राजेश कुमार आप खुश हैं अपने अटेम्प्ट से? बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा लग रहा है। तो ओके, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। और भी कोई वन ऑफ द स्टूडेंट कोई भी आ सकता है जिन्होंने पेपर दिया है और अपना रिव्यू शेयर करना चाहे, रिव्यू डिस्कस कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हो और जिनका आने वाला पेपर है उनके लिए टिप्स देना चाहेंगे? आप सबका भी पेपर है आने वाली शिफ्ट में, जी हाँ, तो इन सबका पेपर है आने वाली शिफ्ट में, तो किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है अपन को, सीधे टाइम मैनेजमेंट में फॉलो करना है, कि जितना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें अपना, वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए तो आने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं पेपर का समय निकल जाएगा। 1.5 घंटे का पेपर है, अच्छे से पेपर देना है, और जो आ रहा है वही करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आए, तो ऐसा हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हों, लेकिन परेशान नहीं होना है, किसी से भी नहीं बनना है। हमारे क्या है, हमें अपना पूरा अटेम्प्ट करना है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। पेपर का लेवल इजी है, होप यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अच्छा पेपर करिएगा, और आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो। और जैसे कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे ये स्टूडेंट हैं 40-50 स्टूडेंट गाँव से देखते हैं, तो वाईफाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उद्देश्य सिर्फ इतना है इस चैनल का कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो गाइस होप यू लाइक इट, और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों ये था रियल एग्जाम का आपके सामने एक पूरा का पूरा सिनेरियो जो कि साहिल सर ने प्रेजेंट किया है। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। आपको पता चला होगा कि बच्चे जो है वो 70-75 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके आने वाले दिनों के अंदर पेपर है तो ऐसा मत करिएगा कि 50-60 जो क्वेश्चन करके आ जाए और फिर ये सोचे कि नहीं हमारा तो निकल जाएगा। तो एटलीस्ट 70 क्वेश्चन, तो 73 क्वेश्चन बच्चे कर रहे हैं अटेम्प्ट वहां पे। और भी बच्चों ने यही बोला कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं आराम से, तो इसका मतलब पेपर का लेवल जो काफी ईजी है आने वाले दिनों में भी ईजी देखने को मिलेगा। जो अपने एनालिसिस है उसको जरूर देखिएगा, डेली आपके लिए एनालिसिस तीनों शिफ्ट का आपके लिए लाया जाएगा। उस एनालिसिस से आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत मदद मिलेगी। और रात को आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा दिन के जितने क्वेश्चन आए ना, उन सबका अलग से आपको वीडियो भी बना के दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। और साहिल सर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी दो मिनट के अंदर आ रहे हैं, वो भी आने वाले हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आज मैथ के अंदर, और उनको तो एग्जाम सेंटर पे जाके आए तो आपको और भी अच्छे से पता है, तो दो मिनट के अंदर आपसे वो भी जुड़ने वाले हैं। ओके, तो तीनों शिफ्ट के एनालिसिस आने वाले जितने दिनों के अंदर आपके पेपर होंगे डेली अपन कवर अप करेंगे, उसके अंदर कोई चिंता की बात नहीं, वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने ही करने, कम से कम तभी जाके काम हो पाएगा। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप ही वहां पे जाएं 50-60 क्वेश्चन करें तो उससे काम नहीं चलेगा। ओके, बिल्कुल सही है, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हम अटेम्प्ट करके आएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों अगर आपको उसकी पीडीएफ तो आपको क्या चाहिए, मैं एक काम करूंगा आपके लिए, जैसे दिन खत्म होगा ना तो आपके लिए मैथ रीजनिंग और साथ में जो जनरल साइंस और करंट अफेयर इन सभी के आपको अलग से एक एक वीडियो बना के दे दिया जाएगा रात के टाइम पे, ताकि आप उनको उसके अंदर से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक दिन के पूरे आए हैं, समझ गए। इसके अलावा जो तीनों दिन के जो शिफ्ट के जो आपके एनालिसिस है वो तो अपन लेके आएंगे जैसे एग्जाम खत्म होगा, जैसे कि सेकंड शिफ्ट खत्म होगी, जैसे खत्म होगी वैसे आपके लिए एनालिसिस लेके आ जाएगा, ठीक है। वैसे थर्ड शिफ्ट खत्म होगी तो एनालिसिस लेके आएगा, तो आप उस टाइम पे आइए जरूर, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और रात को आपको पीडीएफ भी दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं यार, ओके कोई दिक्कत नहीं है। साथ में वाईफाईस्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना यार, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी ना, तो वाईफाईस्टडी एप्लीकेशन में जाने के बाद में आप वहां को पीडीएफ मिलेगी। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। और पीडीएफ के अलावा लाइव टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए यार, हर संडे को आपके लिए ग्रुप डी का लाइव टेस्ट हो रहा है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। ओके, तो वो जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और काफी चीजें देखने को मिलेगी। ओके, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और है, बच्चा अभी अभी आया है कि टेस्ट क्रिकेट में टी ब्रेक से पहले शतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो शतक लगाने वाले टेस्ट में टी होती है, टी से पहले पहले शतक लगाने वाले अभी केएल राहुल है, उन्होंने टेस्ट अभी शतक लगाया था, तो केएल राहुल आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए साहिल सर आपसे जुड़ चुके हैं, साहिल सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के वो आपको करवाने वाले हैं, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने अब जुड़ चुका हूँ मैथ्स के क्वेश्चन के साथ में। एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर होने की वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी में दिक्कत हुआ, लेकिन अभी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुका हूँ, और सब लोग आ जाइए और करते हैं कुछ मैथ के धमाकेदार क्वेश्चंस, क्या लेवल रहा सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, कम ऑन गाइस, सब लोग जुड़ जाइए, कम ऑन चलिएगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन क्या क्या आए, क्या क्या लेवल रहा सब डिस्कस करते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, और कितनी आपको हेल्प मिली, और गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे आपके, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखने को मिला है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है आपको, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर की, आपको निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का अनुपात निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दे रखी है, कोई भुजा आपको गिवन है समबाहु त्रिभुज की 8 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिमाप के बीच में अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न आपके सामने था, जल्दी से क्लियर चलेगा। तो ये प्रश्न था, आपको पता है समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3a² / 4, और उसका परिमाप होता है 3a, तो आपका a से तो a कट ही जाएगा, ठीक है ना, और आपका ये क्या आ जाएगा, रूट 3a, 8√3 और 4 × 12, ठीक है। और मैं यहां देख सकता हूं, 4 से अपन इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, 4 से अपन इसको दो बार काट सकते हैं, 4 × 12 और 4 × 2 = 8, तो 2√3√3 है ना। और जब इसको, और अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता, तो इसको ये भी लिख सकते थे, रूट तीन से मैं 3 को काट दूंगा √3 बार, तो 2/√3 आपका रेशो आ जाता, 2/√3, क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों, चलिएगा। अब चलते हैं, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा इस प्रकार, अगला क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा था 2^4 / 1/2 / n, मतलब कल आपको मैंने घातांक के बहुत सारे फॉर्मूले कराए थे, इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, आप n निकालना है, तो गाइस कम ऑन जल्दी से मुझे आंसर दें। जी हाँ,
सब कुछ क्लियर दिखेगा, कोई इशू नहीं है, और टेंशन ना लें इस चीज की। आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने है और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्लियर होगा, 2 की पावर 4 की पावर 1/2, जब भी किसी भी पावर के ऊपर पावर होती है, किसी भी पावर के ऊपर कितनी भी पावर हो, मतलब एम एन पी कुछ भी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है गाइस, है ना, और जो आपका बेस है वो समान रहता है। इसी प्रकार इसमें फॉलो करना है और बेस आपका बराबर करना है। तो मैं ये जानता हूं कि आपका ये 256 क्या है भाई, आप जानते हैं 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 और अपना हो जाएगा 256। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने 2 की पावर 8 बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये कह दूंगा आपके लिए कि आपके सामने जो भी बन रहा है कि ये 2 की पावर अगर 8 बन रहा है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे आपके सामने ये कितना है 2 की पावर 2 की पावर n। तो यहां पे अब मैं देखता हूं जब बेस मेरे बराबर हो जाएंगे तो 2n = 8 आ जाएगा, तो n बराबर आपका आ जाएगा 4। तो हमेशा आपको वही चीज फॉलो करनी है कि आपको बेस बराबर करने हैं। तो मैंने देखा कि 2 यहां पे है, यहां पे भी 2 होना चाहिए, और 2 मैंने बना दिया, 256 को 2 की पावर 8 लिख दिया। इसके ऊपर जो मेरी पावर आ रही थी, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इन तीनों पावर को, तो क्या किया, a 4 1/2 × n, तो यहां से मेरा 2n बन गया। तो मैंने 2n को 8 के बराबर कर दिया, अगर मेरा बेस बराबर है तो n = 4 मेरे सामने आ गया। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा और अगला क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार था कि आपको एलसीएम निकालने थे, एलसीएम निकालने थे 40 और 180 का, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो ये एलसीएम था और एक ये क्वेश्चन आया था, इसमें आपको एससीएफ निकालना है 108 और 27 का। तो गाइस सीधी सी सिंपल सा फंडा है, हाँ ठीक है ना, सिंपल सा फंडा आपके सामने है, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एससीएफ निकालना है। एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी, एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इस संख्या का भाग चला जाए और इस संख्या का भाग चला जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 180 ले लूं, 180 हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें 40 का भाग नहीं जा रहा है, इसका दुगना लेता हूं 360 तो ही मेरा एलसीएम संभव है, वरना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसमें इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए, इन दोनों इसमें इन दोनों का भाग जा रहा है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। दिमाग से सोच सकते हैं बस, है ना, क्लियर। अब आपके सामने एससीएफ की मैं अगर बात करूं तो एससीएफ क्या हो जाएगा, यहां पे आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। तो इसके सामने आपके सामने 20 27 है, ठीक है, और आप जानते हैं 12 नंबर 108 होता है, ठीक है, हाँ 12 नंबर 108 होता है, और यहां पे आप इसको कर सकते हैं, देखिए 9 × 27 इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 × 9, और ये आपका कितना है 9 × 27। तो यहां से कौन इस संख्या और इस संख्या में कॉमन क्या है, 9 और 3 कॉमन है ना दोनों में, तो वही आपका एससीएफ हो जाएगा। एससीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, 9 और 3 9 और 3, वही इसका एससीएफ होगा। क्लियर है, चलिएगा। अब एक क्वेश्चन क्या आया था, आपको दे रखा था सेलिंग प्राइस, आपको दे रखा था भाई सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, और विक्रय मूल्य दिया गया है 828 रुपया। क्लियर, आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आपको दिया गया है, और क्रय मूल्य आपको दिया गया है 720 रुपए। आपसे बस ये पूछा है कि परसेंटेज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ आपको इतना मुझे बताना है कि जब आप किसी चीज को 720 में खरीद के ला रहे हो, 828 में बेच रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे सामने प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपका SP - CP, इसमें से इसको घटाएंगे तो 108, और सीपी का भाग देना है आपको हमेशा, क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में ही आप परसेंटेज प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। क्लियर है, चलिए तो चीजें समझ में आ रही हैं, और इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 15% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 15% आपका आंसर होगा, तो प्रॉफिट होगा 15% का, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए। एग्जाम सेंटर पे मैं गया तो बच्चों के रिव्यू लिए, और रिव्यू के अकॉर्डिंग यही सामने आया है कि पेपर वाज क्वाइट इजी, और आपके गुड अटेम्प्ट्स भी मैं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए एक स्वर्णिम पल है और इसके आप साक्षी हैं स्वयं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, इसका स्क्वायर रूट मुझे बताइएगा जरा,
इसका स्क्वायर रूट, लास्ट क्लास में ही स्क्वायर रूट बताए हैं, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। और एक इसका आया है 1764, तो स्क्वायर रूट भी आपके दो देखने को मिले हैं, 1764 और ये। तो मैं ये कह सकता हूं दो का पेयर बनाया, इसमें भी दो का पेयर बनाया। इकाई का अंक अगर चार है तो या तो ये दो के पे आएगा या फिर ये आठ के पे आएगा, इसी प्रकार यहां पे दो पे आएगा या फिर आठ पे आएगा। अब आपसे मैं ये कहता हूं 125 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, ये तो आपको पता है ना 125 हमारा किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका 125 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। 11 का 121, 12 का 144, तो ये मैं कह सकता हूं जो आपका 125 है ये इसके बीच में हो जाएगा 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर। तो 11 आपको हमेशा पहले वाला लेना है, या तो आपका आंसर 112 होगा या आपका आंसर 118 होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, अब आप खुद बता दीजिए मुझे ये 121 के ज्यादा पास में है या फिर ये 144 के ज्यादा पास में। आप कहोगे कि सर ऊपर वाले के ज्यादा पास में, देखो ना चार का ही है, तो ऊपर वाला ही आपका आंसर है 112, ठीक है। इसी प्रकार यहां पे आप देख सकते हैं 17 किस किस के बीच में आएगा, 17 आप कहिए, खूब कहिए कि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में आएगा सर। और 17 को जब मैं यहां रखता हूं तो मेरे को पता लग गया कि मुझे पहले वाला अंक लेना है, तो या तो मेरा 42 आंसर होगा या मेरा 48 होगा। अब मेरे प्यारे भाइयों आप खुद ही बता दीजिए कि ये ऊपर वाले के ज्यादा पास है नीचे वाले के ज्यादा पास है। आप कहोगे कि सर ऊपर वाले के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यही आपको चीजें समझनी है। चीजें अगर अच्छी लग रही हैं लाइक करते रहें, मुस्कुराते हुए करिए। एक दो क्वेश्चंस और है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, मैथ्स के, जीएस जीके के थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मैथ रीजनिंग बहुत ही सिंपल देखने को मिला है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन ये था कि एक 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 220 मीटर, क्लियर। अब आपके सामने क्या बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है आपको, ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है 80 मीटर और आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड दे रखी है ट्रेन की 54। तो आपसे बोला गया है कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, समय आपको बताना है कि वो ट्रेन कितने समय में इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो हमेशा जिंदगी में याद रखना, कभी भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, कभी भी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमें टाइम निकालना होता है या फिर स्पीड निकालनी होती है तो हम लगाते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहां पे आपके सामने डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 300 मीटर और स्पीड आपका 54 है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 18 का भाग देते हैं, आपके सामने हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है, और आपका आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम आपको निकालना है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे पास जो टाइम आ जाएगा 20 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 20 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। तो गाइस ये क्वेश्चन थे, और लगातार आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस लाएंगे, अगली शिफ्ट का भी एनालिसिस इसी लेवल पे होगा, इसी तरीके से होगा, आप लोग सब आए। और मेरे प्यारे भाइयों कमेंट कर बताएं कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये 1,80,00,000 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं वाईफाई स्टडी के थ्रू। और जब मैं वहां पे गया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको बोलना भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। एक रिवेल्यूएशन है ऑनलाइन इंडस्ट्री का, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन इस तरीके से कि आप घर बैठ के किसी भी एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको गांव में पहुंचाएं, क्योंकि वहां अभी भी कमी है, शिक्षा का अभाव है, जैसा कि बाहर जाने पर पता लगता है। इस बंद कमरे के बाहर भी बहुत दुनिया है जहां तक ये बात अभी पता नहीं है, क्लियर, सही है। तो सीधी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज्यादा से ज्यादा लोग, अगली शिफ्ट में भी आपके साथ मिलेंगे। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिएगा, और भी न्यू रिकॉर्ड आपके सामने बन चुका है वाईफाई स्टडी का, जिसमें आज वाईफाई स्टडी के 55,000 रियल टाइम स्टूडेंट लाइव देख रहे थे, 55,000 लाइव रियल टाइम, इट्स ए रिकॉर्ड, है ना। और ये रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं था, ये सिर्फ आपकी बदौलत है, और आपकी बदौलत सिर्फ इतना नहीं है कि हमेशा याद रखना, एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा
कि हमें बरसात वाला छाता मत बनाना बस, मतलब कि बरसात जाने के बाद आपका छाता भी बोझ लगने लग जाता है। हम कभी बोझ नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे का साथ इस तरीके से निभाना है कि आपका एग्जाम निकल जाए बस, और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और बिल्कुल साथ में चलने वाले हैं, और ट्रेंडिंग में लाना आपके हाथ में है, जितना ट्रेंडिंग में आएगा और उतना ही ज़्यादा शेयर करेंगे तब आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दिल से जुड़े रहें। ट्रिग्नोमेट्री अब मैं आपके सामने क्या करूँगा, एक सेशन लाऊंगा छोटा सा जिसमें ऑल चैप्टर फॉर्मूला कवर करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल चैप्टर फॉर्मूला कवर करवाऊंगा, जिसकी पहली वीडियो परसों आ चुकी है, ठीक है ना। पार्ट वन मैंने डाल दिया है, है ना, पार्ट वन संडे को आया था, कल देख सकते हैं, कल वाली वीडियो में पार्ट वन मैंने एक फॉर्मूला का वीडियो डाल दिया है। अब ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और भी प्रॉफिट लॉस, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, इनके फॉर्मूले भी मैं उसमें एड ऑन करता जाऊंगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीजें? तो गाइज आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो, सब आपका भला है और अच्छा ही होगा आगे आगे, और उम्मीद करता हूं फिर, और फिर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा होगा, है ना, और सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो 12:30 बजे आपके लिए शिप्रा मैम क्लास लेके आने वाली हैं, उस क्लास को देखना ना भूलना। उसमें आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के प्रश्न होंगे, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक विज्ञान के प्रश्नों की वीडियो 12:30 बजे शिप्रा मैम आपके सामने लेके आने वाली हैं। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उन चीजों को सीखें, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। क्लियर है ना? हाँ, तो पीडीएफ भी दे देंगे, सब कुछ पीडीएफ दे देंगे, और पीएम, ठीक है ना, 12:30 बजे दोपहर में, मतलब अभी थोड़ी देर बाद ही आने वाली है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलेगा, 15 मिनट बाद वो आने वाली है, इतने आप चाय वाने पी लीजिए, और शायरी तो बाद फिर मूड बदल जाएगा तुम्हारा, पढ़ने पढ़ाई में ध्यान दो, अभी कोई इशू नहीं है ऐसा, शायरी वायरी सुनाएंगे, तो वैसे भी अब की बार साहिल सर पा रहे हैं, है ना, जैसा कि आपका पोल आया है, तो फिर शायरी वायरी चलती रहेगी, अभी पढ़ाई करते हैं, क्लासेस में शायरी वायरी खूब चलेंगी, मस्ती से रहो, खुश रहो, लव यू ऑल, आप सबका प्यार ऐसी बनाए रखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग देख रहे हैं 38,000 सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यही सबसे बड़ा प्यार है, और इसको बांटते रहिए, देते रहिए, मुस्कुराहट ऐसी बरकरार रहेगी। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, होप यू लाइक इट, बाय बाय, चलिए।